हेलो एंड वेलकम टू द क्लासेस ऑफ फिजिक्स वाला. आई एम दीक्षा शर्मा, योर जूलॉजी टीचर. तो बच्चों, जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं पूरी यूनिट की बात करूं, लाइक रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है, तो नीट में इस पूरी यूनिट में से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं. अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो एक क्वेश्चन लगाकर चलिए. इस चैप्टर में से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस और जो बचा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 to 3 क्वेश्चंस उसमें से आते हैं. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट्स बिगिन. तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है दैट इज़ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन तो आप सब समझते हैं, ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. And here we are going to discuss about how we multiply, how we perpetuate. तो reproduction का मतलब क्या होता है? It's a perpetuation of a species. मतलब species का आगे बढ़ना. It's a perpetuation of a species जहाँ पर जो individuals old होते हैं या कह लो कि fully mature होते हैं वो एक young generation को birth देते हैं. For example, हम लोग पैदा हुए हमारे parents से. तो हमारे पेरेंट्स ने हमें पैदा किया तो आगे हमारा वंश, उनका वंश चला, राइट? फिर आगे ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएंगे, फाइन. हर ऑर्गेनिज्म यही कर रहा है. हर ऑर्गेनिज्म अपना ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी स्पीशीज को मल्टीप्लाई कर रहा है. बट हमारे केस में ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसके कुछ इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या हैं? हम डाइशियस ऑर्गेनिज्म हैं, हम यूनिसेक्सुअल हैं. हमारे में एक मेल होता है, एक फीमेल होती है एंड वी आर वीवी पैरिस. दैट मीन्स जो फीमेल है इट गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. एक फीमेल के बॉडी के अंदर ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है या कह लो कि बनता है, फॉर्म होता है और उसकी बॉडी में से बाहर निकल कर एक नया ऑर्गेनिज्म आता है, जन्म लेता है, फाइन. तो इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जो सभी ह्यूमंस में बेसिक रहते हैं. सो किसी भी ह्यूमन को बर्थ लेने के लिए इन सब इवेंट्स को करना होगा, फाइन. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग इज गेमिटोजेनेसिस. गेमिटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. गेमिटो मीन्स गेमीट. सो गेमिटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स. तो सबसे पहले अगर हम अपनी ही बात करें, सबसे पहले हम जब पैदा होने वाले थे तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स ने गेमीट्स बनाए, राइट? सो द गेमीट्स वर फॉर्म्ड एंड देन द सेकेंड प्रोसेस कम्स विच इज इंसेमिनेशन. व्हाट इज इंसेमिनेशन? इज द ट्रांसफर ऑफ द मेल गेमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो यहाँ पर जो मेल गेमीट है, द मेल गेमीट गेट्स ट्रांसफर इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. जब वो फीमेल की ट्रैक में चला गया तो उसकी ट्रैक में फिर ये दोनों, दैट इज द फीमेल गेमीट एंड द मेल गेमीट, दे गेट फ्यूज एंड लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन. तो अगला प्रोसेस बच्चों क्या है? फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट. तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है फीमेल की ही ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन द फिलोपियन ट्यूब, और फिलोपियन ट्यूब में इन द एम्पुला, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे. देन इम्प्लांटेशन. अब वो गेमीट फ्यूज हुआ तो वहाँ पर जायगॉट बना और जायगॉट से आगे एम्ब्रियो बना. सो द एम्ब्रियो विच इज अराउंड 32 सेल स्टेज विच इज ब्लास्टोसिस्ट, वो फीमेल के यूटराइन वॉल में जाकर इम्बेड हो गया, जिसे हम कहते हैं यस इम्प्लांटेशन. सो इट्स द इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. आई होप आप सबको ब्लास्टोसिस्ट पता है. इट्स अ 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो इन यूटराइन वॉल. देन जेस्टेशन इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. यहां पर अब इस एम्ब्रियो ने आगे और डेवलपमेंट शो किया और उसने अपने बॉडी पार्ट्स बनाए और जब वो फुली फॉर्म हो गया तो वो बॉडी से बाहर आ गया, जिसे हम कहते हैं पार्चुरेशन. और द डिलीवरी ऑफ द बेबी
ऑलराइट, सो ये सारे बच्चे इवेंट्स हैं, इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है. प्लस इनको पढ़ने से पहले यू शुड बी नोइंग अबाउट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड. सो फॉर दैट यू नीड टू नो अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर बेसिक्स ही बात करें, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है. अभी ये मत कहना मैम ने सेम कहा तो मेल में भी वही है, फीमेल में भी वही है. नेचर ने हर चीज़ कह लो एक तरह से बराबर करके दी है हम दोनों को. जो पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट्स, दे आर लाइक ऑलमोस्ट सेम. बट सिंस दे आर मेल, दे हैव लिटिल डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, इन द डिफरेंस इन व्हाट दे आर फॉर्मिंग. बट जो बेसिक है इट्स ऑलमोस्ट सेम. फॉर एग्जाम्पल, फॉर से पार्ट्स में द मेल्स हैव अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज टेस्टीज, द फीमेल हैव द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज ओवरीज. इधर एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल के पास, दैट इज पीनस. उधर फीमेल के पास वल्वा है. बोथ हैव द डक्ट सिस्टम विच इज द जेनिटल डक्ट हियर, एंड ऑल्सो दे हैव द एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो यहाँ पर बेटा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात कर रही हूँ, वाई आई एम सेइंग द प्राइमरी, वॉट इज द प्राइमरी एंड वॉट इज द सेकेंडरी इन द लिटरल टर्म. प्राइमरी का मतलब होता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हेयर टेस्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्टीज में ही गेमीज फॉर्म हो रहे हैं. तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टीज, देन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज पीनस, एंड देन जेनिटल डक्ट्स. जेनिटल डक्ट्स में अलग अलग डक्ट सिस्टम्स आते हैं, जैसे वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, एपिडाइडमिस एंड द ग्लैंड्स. राइट, जैसे ग्लैंड्स में क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास मेल में, वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक बार मैं आपको छोटा सा डायग्राम से ही समझा देती हूँ. सबने डायग्राम देखा है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी है. तो बेटा सबसे पहले हियर वी हैव टेस्टीज. So this is testes. ये पूरा organ testes है. It's present in a sac-like structure outside the abdomen, which is scrotum. Scrotum में present है. Alright. Then here is the external genitalia, which is penis, as you can see here. यहाँ पर अगर आप देखोगे testes में से एक duct ऊपर ये जा रही है, which is the vas deferens. इधर ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स, दिस इज सेमिनल वेसिकल, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. This entire structure which I'm going to draw in the black is the urethra, which is a part of a duct system. और यहाँ पर penis में नीचे एक area है, या इधर कह लो कि enlarged portion है penis का, जिसे हम कहते हैं glans penis, which is covered by four skin or prepuce. Alright, so we'll be discussing all this in detail. It's just an overview, so don't like अभी सोचो मत मैम ये क्या बता रहे हैं, अभी सिर्फ overview है. अभी हम आगे चलते हैं बच्चे, और आगे हम शुरू करेंगे टेस्टीज से, विच इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो टेस्टीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच विच इज स्क्रॉटम. ऑलराइट, तो बेटा अगर ये एक स्क्रॉटम है, तो इसके अंदर इस तरह से टेस्टीज प्रेजेंट है. ऑलराइट, अब ये एब्डोमेन के बाहर हैं, इट्स हैंगिंग आउटसाइड द एब्डोमेन इन केस ऑफ ह्यूमन, बट इट डजंट मीन सभी ऑर्गेनिज्म में ही बाहर होगी. कुछ ऑर्गेनिजम्स में, मैमल्स में, ये एब्डोमेन में भी होती है, जैसे कि एक्वाटिक मैमल्स, जो भी सिटेसी फैमिली के आपके मैमल्स हैं, जैसे आपकी डॉल्फिन है, जैसे आपकी वेल है, इन सब में एब्डोमेन में होती है. बट ऑल्सो देयर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म जिसमें सीजनल माइग्रेशन होती है टेस्टीज की आउटसाइड द एब्डोमेन, मतलब जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो स्क्रॉटम में आ जाते हैं, अदरवाइज वो एब्डोमेन में रहते हैं, जैसे कि रैट्स. राइट, तो अब यहाँ पर बच्चे ये बाहर क्यों है, व्हाट्स नॉट इन द एब्डोमेन. सारे ऑर्गन नेचर ने एब्डोमेन में दे दिए, व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ द टेस्टीज टू बी प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन. अगली लाइन पढ़िए, इट्स ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी, नथिंग आउटसाइड द एनसीईआरटी. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes. बेटा temperature कम रखना है, कितना, 2 to 2.5 degrees Celsius than the body temperature. जितना body temperature है उसे 2 to 2.5 degrees कम रखना है, because that is the apt or the appropriate temperature for spermatogenesis. Spermatogenesis का मतलब है formation of sperm.
स्पर्म्स को बनाने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए था, तो इसलिए नेचर ने कहा अगर एब्डोमेन में रखोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हैम्पर हो सकता है, ख़राब हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, इसको स्क्रॉटम में लगा दिया। जब बच्चा पेट में होता है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो एब्डोमेन में ही होता है, बट जैसे उसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टीज डिसेंड होकर स्क्रॉटम में चली जाती हैं। ऑलराइट, सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस। सो इट्स ओवल इन शेप एज यू कैन सी देयर, एंड इसका लेंथ कितना है, 4 to 5 centimeters एंड विड्थ ऑफ 2 to 3 centimeters। तो इसके डायमेंशन है ये। टेस्टीज इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। नाउ देयर इज अ थिंग, सो टेस्टीज इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। बेटा इसमें दो कवरिंग्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। सो इफ दिस इज अ टेस्टीज, इसमें बाहर की तरफ जो कवरिंग है दैट्स ट्यूनिका वैजिनालिस, एंड जो अंदर है द वन इन द वाइट, ये वाली जो बनाई है, इट्स ट्यूनिका एल्बुजीनिया। एंड ट्यूनिका एल्बुजीनिया अंदर इसको लॉब्यूल्स में डिवाइड करती है। किसमें? लॉब्यूल्स में। ऑलराइट, सो आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, द आउटसाइड वाली जो कवरिंग है दैट्स ट्यूनिका वैजिनालिस, और जो अंदर वाली है द वन इन द व्हाइट इज ट्यूनिका एल्बुजीनिया। इट्स अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस डिवाइड्स द इंटरनल पार्ट ऑफ योर टेस्टीज इनटू टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। हाउ मेनी? अराउंड 250। तो एक टेस्टीज में अराउंड 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आते हैं। सो दैट्स द नेक्स्ट लाइन। ईच टेस्टीज हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स known as testicular lobules, और एक testicular lobule के अंदर around 1 to 3 seminiferous tubules होते हैं। तो अगर ये एक testicular lobule है, इसमें around 1 to 3 seminiferous tubules होंगे। Now what is a seminiferous tubule? हम आगे देखेंगे। ये structure भी आपने NCERT में देखा होगा, seminiferous tubule are the structural and functional unit of testes, जहाँ पर आपके sperms बनते हैं। तो अगर ये structure बच्चों को confusing लगता है, I am going to draw a very simple structure so that आपको seminiferous tubule अच्छे से समझ में आए। तो बेटा अगर हम testes के अंदर से देखेंगे तो ऐसे आपको गोले गोले दिखेंगे, ये seminiferous tubule है। इनके बीच में यहां पर टिश्यू होता है विच इज लाइक अ स्ट्रोमल टिश्यू, इंटरस्टीशियल स्पेस भी बोल देते हैं। एंड इन दिस इंटरस्टीशियल स्पेस आर प्रेजेंट टू टाइप ऑफ सेल्स, वन आर द इंटरस्टीशियल सेल्स ऑल्सो नोन एज द लेडिक सेल्स, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं, एंड इट इज ऑल्सो मैंशन इन द NCERT, these are immunocompetent cells, these are like your WBCs, जो यहाँ पर एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो ये NCERT में भूलना नहीं है इसको। तो ये कौन से सेल्स हैं इंटरस्टीशियल स्पेसेस में? एक इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स, एंड दीज आर वॉट? इंटरस्टीशियल सेल्स, इंटरस्टीशियल और लेडिग सेल्स। ऑलराइट, इंटरस्टीशियल का मतलब होता है इन बिटवीन समथिंग, तो दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट? तो इन दोनों के बीच में लेडिग सेल प्रेजेंट है। लेडिग सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे आर रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे सिक्रीट द एंड्रोजन विच इज टेस्टोस्टेरोन, which is a male hormone, and male hormone has a lot of things to do in the males. First of all, it controls secondary sexual characters. What are secondary sexual characters? सब बच्चों को I think पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बच्चे सबसे पहली बात male like appearance, यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट मेल लाइक अपीयरेंस में कैसे होता है? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल? सबसे पहले मिस्टैशेस, मूंछ, दाढ़ी, बियर्ड, बियर्ड इज दाढ़ी, मिस्टैशेस आर मूंछ, राइट? मूंछ से आपको सबसे पहले पता लगता है। तो यहाँ पर हेयर, बॉडी हेयर आना, एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी हेयर होता है आर्मपिट्स में हेयर,
राइट, चेस्ट पे है या फिर जेनिटल ऑर्गन्स के पास है. सारे जेनिटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन कराता है. अब आपने एक चीज़ और देखे होंगे, डॉले कौन दिखाता है, लड़के दिखाते हैं ना ऐसे, है ना, तो डॉले किसके होते हैं, लड़कों के. तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास टेस्टोस्टेरोन है और ये मसल ग्रोथ करता है. राइट, वॉइस हमारी हाई पिच है, इनकी लो पिच. वॉइस लो पिच है, ब्रॉड है, हैवी है, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही है. लड़कों के जो बोन्स हैं वो लड़कियों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो यहाँ पर बोन मास भी बढ़ाता है. राइट, मेल में जो ब्लड होता है, आरबीसीज होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, और एरिथ्रोपोइसिस को ज़्यादा भी टेस्टोस्टेरोन कराता है. तो देर आर लाइक लॉट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय टेस्टोस्टेरोन. दीज आर जस्ट सम ऑफ देम एंड आई हैव टोल्ड यू दीज. एंड यस, इसको कई बार एंड्रोजन भी बोल देते हैं, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन हार्मोन इज द टेस्टोस्टेरोन ओनली. राइट, तो ये एक सेल की है हमने जो टेस्टिस के अंदर है. अब जो ये गोले हैं विच आर सेमिनी फेरस टिब्यूल, इनमें क्या है, इनके अंदर बच्चे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं विच आर लाइक जर्म सेल्स. ये जर्मिनल एपिथीलियम है. ये जर्मिनल एपिथीलियम मेल में कब आई थी, जब वो छोटा बच्चा था, जब वो मदर के वोम में था, और ये योक सैक से आई थी. अगर सुना है नाम योक सैक तो ठीक है, नहीं सुना है तो आगे मैं आपको सुना दूंगी कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में. ऑलराइट, सो दिस इज द जर्मिनल एपिथीलियम. इस जर्मिनल एपिथीलियम में आगे माइटोटिक डिवीजन होती है. जर्मिनल एपिथीलियम है एंड इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम. राइट, आगे जाकर ये बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया. माइटोसिस चल रही है, स्पर्मेटोगोनिया से फिर आगे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये भी हम आगे पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में. फिर बनते हैं सेकेंडरी, फिर बनते हैं स्पर्मेटिड, और फिर बनते हैं स्पर्म. सो दिस इज हाउ इट इज. यहाँ पर ऐसे ल्यूमन में, मतलब जो सेंटर पोर्शन है, आपको सेंटर में स्पर्म्स मिलेंगे. बट स्पर्म्स कभी भी ऐसे नहीं मिलते आपको. स्पर्म एक लंबे लंबे सेल के साथ अटैच मिलेंगे, और इन लंबे लंबे ओवल सेल्स का नाम है सर्टोली सेल्स. सो दीज आर वॉट, दीज आर सर्टोली सेल्स. दीज आर प्रेजेंट लाइक दिस, और इनके ऊपर अटैच होते हैं स्पर्म्स लाइक दिस. नाउ व्हाई द स्पर्म्स आर अटैच टू दीज सेल्स, बिकॉज दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड परफॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. विच सेल्स, सर्टोली सेल. इनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, या फिर सस्टेंटिक्यूलर सेल्स. इनका काम है to provide nourishment to developing sperm. तो जो sperms grow कर रहे हैं, develop कर रहे हैं, उनको ये nourish करता है. Also ये क्या कर रहा है, ये blood testes barrier बना रहा है. blood testes barrier क्या होता है बच्चे, ब्लड को डायरेक्टली टेस्टिस में नहीं जाने देना. सो दे आर फॉर्मिंग सम टाइट जंक्शन. ये दो सर्टोली सेल ऐसे टाइट जंक्शन बना लेंगे. नहीं जाने देना ब्लड को डायरेक्टली टेस्टिस में, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं, अगर आपके ब्लड के WBCs ने उनको फॉरन मानकर मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी. सो दे डोंट वॉन्ट कि यहाँ पर ब्लड डायरेक्टली टेस्टिस के स्पर्म्स के कॉन्टैक्ट में जाए. सो दे आर फॉर्मिंग अ बैरियर which is a blood testes barrier. ये सर्टोली सेल है, एक दीवार बनाई हुई है, इधर ब्लड है, इधर टेस्टिस है. सो इट्स नॉट लेटिंग इट बींग इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सो हाउ इट इज टेकिंग द न्यूट्रिशन, जस्ट बाय डिफ्यूजन. राइट, तो ब्लड में से डिफ्यूज होती रहती है चीज़ें, वहाँ से नरिशमेंट लेते रहते हैं. ओके, यहाँ तक बेटा ब्लड वेसल्स आ सकती हैं, बट इसके अंदर नो ब्लड वेसल्स डायरेक्टली नहीं जाएंगी. Alright, so these are the functions of your Sertoli cell. So what's the function of Sertoli cell? ये आपके germ cells के साथ ही होते हैं और ये nourishment देते हैं sperms को. And यहाँ पर interstitial cells और Leydig cell क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, testosterone secrete कर रहे हैं. Right? So यहाँ पर बेटा Sertoli cell की एक अच्छी बात आपको क्या दिख रही है, कि वो spermatogenesis में कहीं ना कहीं help कर रहे हैं, क्योंकि वो sperm को, developing sperm को nourish कर रहे हैं.
ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये दोनों ही किसी ना किसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं. ऑलराइट, इंटरस्टीशियल सेल पे कौन सा हार्मोन आता है? LH आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. राइट, इंटरस्टीशियल सेल पे L4-Leydig, L4-LH, ऐसे याद कर लेना. ओके, और सर्टोली सेल किसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं? ये करते हैं FSH के. बोथ आर पिट्यूटरी हार्मोन्स, और ये दोनों हार्मोन किसके इन्फ्लुएंस में काम करेंगे? द हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ओके, इजी है ना आप सब चीजें? ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं बेटा. सो दिस इज द ओवरव्यू थ्रू अ वीडियो. सो लेट्स जस्ट सी अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा. तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लोअर अबडोमेन में प्रेजेंट है ऑर्गन सारे. यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिस, स्क्रॉटम में जो प्रेजेंट है, इपिडाइडमिस है यहाँ पर, यूरेथ्रा है एंड ग्लैंड्स पीनस है. दिस इज इन लार्ज पोर्शन ऑफ द पीनस. ऑलराइट, अब टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल है, बाहर एक कवरिंग है ट्यूनिका वेजिनालिस और ब्लू वाली अंदर वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया. सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल में क्या होता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन. ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स प्रीटी क्लियर. आपको थोड़ा इससे ज्यादा क्लियर हो गया होगा. तो हम आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज एक्सेसरी डक्ट्स. अब स्पर्म्स बन गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, एंड हाउ इट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ मेल, मेल की बॉडी से ये बाहर कैसे आएगा? तो बच्चे यहाँ पर हम कुछ डक्ट्स की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बताती हूँ. ऑलराइट, ओके, सिर्फ दिस इज अ टेस्टिस, इफ दिस इज अ टेस्टिस एंड दिस टेस्टिस कंटेन्स टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स जिसके अंदर है सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल. सो द स्टोरी स्टार्ट्स हियर. सबसे पहले ये डक्ट का काम क्या है? डक्ट्स का काम है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. ऑलराइट, इपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये किसी ना किसी तरह से आपके स्पर्म्स को स्टोर करते हैं एंड ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. ये मेन काम है, इसको कॉपी में लिख लीजिए. ठीक है, अब यहाँ से स्टोरी शुरू हुई, यू हैव टू ट्रांसपोर्ट समथिंग. सो दिस इज अ प्रोडक्शन हाउस एंड प्रोडक्शन हाउस से आपको बाहर यहाँ पर लेके आना है. ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई. वो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से आएंगे, ट्यूबुलर रेक्टाई. सो ट्यूबुलर रेक्टाई आर द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ऑल दीज आर गेटिंग ड्रेन्ड इन टू the rete testis which is the anastomizing labyrinth. मतलब यहाँ पर सबका झुंड इकट्ठा हो रहा है. मान लो मेरे पास एक बहुत सारी नालियाँ हैं और वो एक चैम्बर में खुल रही हैं और वो चैम्बर है rete testis, right? So this is the rete testis and this is these white one are tubular recti. Now these rete testes open into vasa efferentia which is coming out from the testes. Okay, तो बहुत सारी vasa efferentia है. And now this vasa efferentia is opening into epididymis. And epididymis is opening into vas deferens. This is vas deferens. All right. And vas deferens is very long. इट इज़ वेरी लॉन्ग और यही स्क्रॉटम में से बाहर आती है और स्क्रॉटम से बाहर आके एब्डोमेन में जाती है. ऑलराइट, तो यहाँ तक की स्टोरी क्या है? ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, उसके बाद वासा एफरेंशिया, दिस इज एपिडाइडमिस एंड हियर वी हैव वास डिफरेंस. अब ये वास रेफरेंस क्या करेगी? इफ यू कैन सी दिस डायग्राम केयरफुली, सी यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, आई एम हाईलाइटिंग इट इन द डार्क फॉर्म. दिस इज अ स्क्रॉटम, दिस इज अ एब्डोमेन. ऑलराइट, अब यहाँ पर वास रेफरेंस बाहर आई, इट विल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने भी, लूप होना मतलब ऊपर से घूम के जाने से, लूप बना के, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. It is looping over the urinary bladder and it is meeting with the duct of seminal vesicles. So, bacche, this is seminal vesicles. This is seminal vesicles. Agar ye nahi clear hai, toh isko kisi aur color se kar dete hain, ye wala. Ye seminal vesicle hai.
अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है इसे, तो उसके पीछे ऐसे दो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, राइट। सेमिनल वेसिकल के डक के साथ वास डिफरेंस का एम्प्यूला, एम्प्यूला होता है स्वेलिंग, तो एम्प्यूला जुड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर वास रेफरेंस के एम्पुला से सेमिनल वेसिकल की डक्ट जुड़ी और एक कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनी यहाँ पर। ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट है जो किस में जाकर जुड़ी, जो यूरेथ्रा में जाकर जुड़ी, और ये यूरेथ्रा बाहर खुला थ्रू पीनस, थ्रू यूरेथ्रल मिएटस, और यहाँ से स्पर्म्स बाहर आएंगे, बट दे आर डिप्ड इन अ फ्लूइड एंड यू कलेक्टिवली कॉल दैट एज सीमन। क्या बोलते हैं आप उसे, सीमन कहते हैं। एक बार दोबारा से बेटा, ये वास रेफरेंस है, ये वास रेफरेंस का एम्प्यूला है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ क्या मिला आकर, इसके साथ मिली डक्ट ऑफ, यस, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, और दोनों ने जोड़कर कहाँ पर ड्रेन हुए, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। सो दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ पर खुली, ये खुली आगे यूरेथ्रा में। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन नाउ, राइट। एंड यूरेथ्रा इज अ वेरी लॉन्ग डक्ट, और ये इधर से प्रोस्टेट में से पास होकर उसके सिक्रीशंस लेती है, बल्बो यूरेथ्रा के लेती है, सेमिनल वेसिकल के वहाँ से सिक्रीशंस आ गए हैं, और फिर यहाँ पर पिनाइल यूरेथ्रा विच इज़ पासिंग थ्रू द पीनस, इट विल ओपन आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल मिएटस। मिएटस का मतलब होता है ओपनिंग। आई होप दैट्स पर्टिकुलर टू एवरीवन, यस। इस डायग्राम में भी बहुत सारे डक्ट्स दिखाए हैं, बोथ आर द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, दिस इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम दैट आई हैव मेड फॉर यू, ताकि आपको चीज़ें समझ आए, ऑलराइट। तो बेटा यहाँ पर ये वास रेफरेंशिया दिख रहे हैं, ये एपिडिडिमिस है, ये इधर आप देख रहे होंगे, ये वास रेफरेंस, ये सेमिनल वेसिकल से मिला, इधर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाकर यूरेथ्रा में मिल गया, ऑलराइट। ओके, मूविंग फर्दर टू द जेनिटल ग्लैंड, सक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, देयर आर थ्री मेन ग्लैंड्स, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें से पेयर्ड सेमिनल वेसिकल हैं दोनों, इधर ये वाली सिंगल है और ये वाली भी पेयर्ड है, ऑलराइट। सो अगर कोई पूछे विच इज़ अ अनपेयर्ड ग्लैंड और द सिंगल ग्लैंड, विच इज़ द सिंगल ग्लैंड, द प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑलराइट। देन व्हाट इज द शेप ऑफ अ प्रोस्टेट ग्लैंड, इट्स अ नट शेप, चेस्टनट शेप। अभी देखा ना ऐसी शेप थी उसकी, इट्स अ चेस्टनट शेप एंड इट प्रोवाइड्स मिल्की अपियरेंस टू द सीमन। बेटा सीमन क्या होता है, सीमन होता है स्पर्म प्लस द सेमिनल फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दीज थ्री ग्लैंड, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड से आते हैं। अब उसका जो मिल्की अपियरेंस होता है, दूध जैसा जो दिखता है, वाइट वाइट, वो इसकी वजह से है, प्रोस्टेट की वजह से। इसके अलावा देर इज ऑल्सो वन थिंग रिटन इन द एनसीईआरटी दैट द सीमन कंटेन्स कैल्शियम आइंस इंजाइम्स विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दीज ग्लैंड। तो उसमें से जो कैल्शियम आइंस है वो प्रोस्टेट ग्लैंड ही देता है। ऑल्सो इट गिव्स इंजाइम, सिट्रिक एसिड एंड सेमिनल प्लाज्मिन। सेमिनल प्लाज्मिन एक एंटीबायोटिक की तरह होता है जो कोई अगर जर्म्स है उसे किल करेगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो फिर भी फॉर योर नॉलेज। देन इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल्स अभी बताया कहाँ पर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट, पीछे सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। देन इट सिक्रीट्स फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, विटामिन सी, सिट्रिक एसिड एंड आइनोसिटोल। यहाँ पर मिल्की अपीयरेंस लिखा है, सो जस्ट इग्नोर दिस। यहाँ पर इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स द अल्कलाइन नेचर, ऑलराइट। ये अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है। देन कॉपर्स ग्लैंड और द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये म्यूकस सेक्रेट करता है एंड इट्स सोल फंक्शन इज लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस, पीनस को लुब्रिकेट करता है, ऑलराइट। तो ये मेन मेन बेटा चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। फॉर एग्जाम्पल लुब्रिकेशन हियर, राइट। सीमन में कैल्शियम आयन भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं, एंड दिस इज अ सिंगल, दीज टू आर द पेयर्ड ग्लैंड्स एंड देयर लोकेशंस, ऑलराइट। ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द पीनस विच इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, राइट। सो इट्स द ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल, द पीनस। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है कुछ टिश्यूज का, एंड वॉट आर दोज टिश्यूज, दीज आर इरेक्टाइल टिश्यू। मतलब यू ऑल नो दैट पीनस ड्यूरिंग कॉपुलेशन और ड्यूरिंग जब भी सेक्शुअल डिजायर होता है उस टाइम पे, लिबिडो के टाइम पे, ये इरेक्ट होता है, राइट। सो द साइज ऑफ द इरेक्ट पीनस इज अराउंड 15 सेंटीमीटर। एंड कैसे होता है ये इरेक्ट, क्यों होता है,
इरेक्ट होता है ड्यू टू द नर्व इनर्वेशन, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो इनर्वेट करते हैं, वो आगे सेंसरी इम्पल्सेस देते हैं, तो जो ब्लड्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं और कुछ जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं उसके बीच में ब्लड फिल हो जाता है एंड दिस इज हाउ इट गेट्स इरेक्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज. नाउ व्हाट आर दीज टिश्यूज? इफ वी टेक द सेक्शन ऑफ द पेनिस, अगर ये हम सेक्शन लेते हैं यहाँ पर, तो दीज आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, राइट? सो यहाँ पर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है उसके बीच में से एक यूरेथ्रल मिएटस होता है, मतलब यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है यहाँ से. ओके, तो बेटा ये दोनों टिश्यूज का नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. दीज आर द इरेक्टाइल टिश्यूज एंड दिस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये आगे जाकर क्या बनाता है? ग्लैंड्स पीनस. ऑलराइट, तो बेटा अगर ये पीनस है, इसका जो आगे एक्सटेंडेड पार्ट है, दिस इज ग्लैंड्स पीनस. व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लैंड्स पीनस एंड दिस ग्लैंड्स पीनस इज कवर्ड बाय द स्किन व्हिच यू कॉल इट एज प्रिप्यूज और द फोरस्किन. ऑलराइट, सो दिस इज द प्रिप्यूज और द फोरस्किन. Alright, so the large end of the penis called the glans penis is covered by loose fold of skin known as foreskin. So this is the external genitalia of the male, which is penis. Then semen. Semen, अभी बेटा मैंने आपको क्या बताया? Semen consists of sperms as well as seminal fluid. And this seminal fluid is contributed by, it is contributed by all the three glands, the prostate, the seminal vesicles, as well as the bulbourethra. Alright, अब बेटा यहाँ पर जो semen होता है, it's alkaline in nature, alkaline है, और per ejaculation, what is ejaculation? The release of the semen after the sexual intercourse, or at the end of the sexual intercourse, right? So per ejaculation, male में पर इजैक्युलेशन कितना सीमन रिलीज होता है? अराउंड 2.5 to 5 ml एंड दिस कंटेन्स अराउंड 200 to 300 million स्पर्म्स. अब ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म में जो 60% है उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और इस 60% का 40% जो है उसमें विग्रस मोर्टिलिटी होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो मेल है वो फर्टाइल है. ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म का 60% में शेप प्रॉपर, और उस 60 का अगर 40% में मोर्टिलिटी है, मतलब फॉर अ हेल्दी स्पर्म यू नीड टू हैव बोथ द थिंग्स, मतलब उसमें शेप भी प्रॉपर और जो मोर्टिलिटी भी प्रॉपर है, उन स्पर्म्स को हम हेल्दी स्पर्म्स कहेंगे और उन मेल को हम फर्टाइल कहेंगे जिनमें वो हेल्दी स्पर्म्स हैं, बिकॉज ओनली दीज कैन यू नो फर्टिलाइज द एग. अगर उसमें शेप प्रॉपर नहीं है, मोर्टिलिटी प्रॉपर नहीं है, एक भी चीज़ प्रॉपर नहीं है, तो वो प्रॉपरली आगे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 200 का 60 और 40 अलग अलग कर देते. नहीं, पहले 60, 60 का फिर 40. ऑलराइट, अगर किसी में 20 मिलियन पर एमएल से भी कम है तो उसको हम इनफर्टाइल कंसिडर करते हैं. दैट्स अनदर थिंग. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द सीमेन एंड द सीमेन इज व्हाट? दैट वाइट मिल्की फ्लूइड दैट कम्स आउट फ्रॉम द पेनिस आफ्टर द एंड ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द सीमेन इज कंटेनिंग द स्पर्म्स एज वेल एज द सेमिनल फ्लूइड. मूविंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया वही पार्ट्स हैं, उधर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस था, इधर ओवरीज, इधर भी डक्ट सिस्टम है, इधर भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, इधर भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज नोन एज वल्वा और प्यूडेंडम. डक्ट सिस्टम में यहां पर क्या क्या है बच्चों? यहां पर है फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स. क्या बोलते हैं इनको? और ओविडक्ट्स. यूट्रस which is also known as hystera, cervix and vagina. ये female duct system है. Alright, तो चलो यहाँ पर एक female duct system के बारे में मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से detail में. चलो बच्चे, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये ovary है,
और यहां से शुरू होती है फिलोपियन ट्यूब, यहां से। तो एक सबसे बड़ा वहम जो बच्चों को होता है कि ओवरी इज डायरेक्टली अटैच विद द फिलोपियन ट्यूब, दिस इज अ बिग नो नो। अगर ये ओवरी है तो जो फिलोपियन ट्यूब है बच्चे, जो फिलोपियन ट्यूब है वो इस तरह से प्रेजेंट है, दोनों में कोई अटैचमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस है, राइट। तो जब भी ओवरी एग रिलीज करेगा तो वो पेरिटोनियम में करेगा, पेरिटोनियम द पेल्विक रीजन, उसमें करेगा, राइट, पेल्विक रीजन में करेगा। और फिर जो ये फिलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट है, विच पार्ट इज दिस, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम पार्ट में यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, विच इज फिम्ब्रे, वो उसको कलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, अगर ये फिंगर मेरी जो है ये फिम्ब्रे हैं, ठीक है, और ये पोर्शन इनफंडिबुलम है, तो यहाँ पर एक छेद है, ऑस्ट्रिया कहते हैं, वो उसको कैच कर लेगा, ठीक है, एग को, ओवम को, उस साइड को जो भी है उसे कैच कर लेगा, और फिर ये आगे जाएगा इस पोर्शन में, द वाइडेस्ट पोर्शन विच इज़ द एम्प्यूला, और एम्प्यूला के बाद ये छोटा सा पोर्शन है, अगर दिस रीजन इज़ द यूट्रस, इफ दिस रीजन इज़ द यूट्रस, तो ये छोटा सा पोर्शन है विच इज़ कनेक्टिंग द फिलोपियन ट्यूब विद द यूट्रस, इट इज़ इस्थमस। तो तीन पार्ट हुए फिलोपियन ट्यूब के, एक इनफंडिबुलम, एक एम्प्यूला, एक इस्थमस। Alright, an ampulla is the site of fertilization. Ampulla है, कई बच्चे अभी भी वही पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ampullary isthmic junction, बेटा वो गलत है, जो नई NCERT है, जो करेक्ट वर्जन है वो यही है कि the fertilization takes place in the ampulla, right? तो याद रखना, ampulla is the site of fertilization. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपकी फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स हैं उनमें जो एपिथीलियम है वो सिलिएटेड है, क्या है वो सिलिएटेड, व्हाई नेचर हैज़ गिवन सिलियाज हियर, ऑब्वियसली एक ही रीज़न है, जो ओवा है, जो ऊसाइट है वो मूव कर सके और आगे पहुंच सके, ट्रैवल कर सके, चल सके, तो नेचर ने इस पूरी में सिलिया दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, फिलोपियन ट्यूब इज सिलिएटेड एंड मस्कुलर, मस्कुलर भी है ताकि मस्कुलर मूवमेंट से भी वो आगे जा सके। फिर ये आगे आता है यूट्रस में, यूट्रस के बेटा अंदर तीन लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम विच इज़ लाइक अ पेरिटोनियम द प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो यूजुअली आपको हार्ट के अराउंड भी मिलती है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रैक के अराउंड भी मिलती है, जैसे आपके सेरोसा, राइट, लंग्स के अराउंड भी मिलते हैं लाइक प्लूरा। मायोमेट्रियम द थिकेस्ट लेयर, एज यू कैन सी हियर, इट्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड देन एंडोमेट्रियम द वन विच फॉल्स ऑफ, दैट फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, द इनर मोस्ट, एंडो का मतलब होता है सबसे अंदर वाला, राइट। तो एंडोमेट्रियम इट फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मायोमेट्रियम ये किसकी बनी है, स्मूथ मसल्स की, और ये कॉन्ट्रैक्शन करती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी एंड पार्चुरेशन के टाइम पे भी, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो एंडोमेट्रियम है वो इजीली फॉल ऑफ कर पाएगी, पार्चुरेशन के टाइम में तो आपको पता ही है क्यों, बिकॉज वहाँ से बेबी बाहर आना है, ऑलराइट। देन वी हैव दिस सर्विक्स एंड दिस इज अ सर्विकल कैनाल, बिकॉज दिस इज अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ऑलराइट। This cervix is a region which contains cervical glands and they secrete mucus. तो इस cervix में क्या present है? Cervical glands. It secretes mucus, right? इसके नीचे आती है vagina, which is a copulatory canal. Why? Because during copulation, it receives penis. Vagina and cervical canal collectively they are known as birth canal. Why you call them as birth canal? ये दोनों को मिलाकर birth canal बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से baby बाहर आता है, alright? And vagina में कोई भी glands नहीं होते, whatever fluids are coming, either they are the one which is coming from external genitalia or the one which is coming from the cervical glands, otherwise vagina have no glands, alright? इसमें बस folds होते हैं, इन folds को हम रूगे कहते हैं, क्या कहते हैं, रूगे, जो stomach में भी जैसे folds होते हैं ना, रूगे, रूगे are the folds of mucosa, alright? Okay, then ये था बेटा आपका पूरा duct system, के बाद हम आगे चलते हैं
आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अबाउट दी वल्वा प्यूडेंडम और दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जैसे मेल्स में पीनस था. अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें, फीमेल में यहाँ पर मॉन्स प्यूबस है विच इज़ कवर्ड बाय हेयर, राइट. मॉन्स प्यूबस कौन सा एरिया होता है, इज जस्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ वेयर योर बोथ द पेल्विक बोन्स जॉइन, जहाँ पर आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उसके ऊपर एक कुशन है मॉन्स प्यूबस, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके. इट्स मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ फैट, राइट. इसके नीचे प्रेजेंट है लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा इज ऑल्सो नोन एज अ थिक लिप. Which is also covered by hair. Inside of this is present labia minora. यहाँ पर labia minora है और ऊपर की तरफ जहाँ पर labia minora join होता है is present a small erectile tissue which is clitoris. So this is clitoris. This is labia majora. This is labia minora. Labia minora के अंदर जितना भी ये region है इस पूरे को हम vestibule कहते हैं. ये पूरा region is vestibule. Vestibule के अंदर दो openings हैं. एक है urethra, the opening of the urinary bladder, and then is present the vaginal orifice which is partly covered by a small vascular tissue known as hymen, but not in every case, right. So this is the urethral meatus or opening, and this one is vaginal orifice or opening, and this is hymen. So hymen is a small vascular covering that covers the vaginal orifice. तो ये जब कोई sexual intercourse करता है उस time पर ये टूट जाती है, but it's not like अगर किसी ने sexual intercourse like किया है या नहीं किया, it's not the sign of virginity, right? Hymen अगर आप horse riding करते हैं, power yoga करते हैं, कई बार suddenly आप गिर जाते हैं तो उसकी वजह से ये टूट भी सकती है, या फिर सम गर्ल्स ऑल्सो यूज टेम्पोन्स, तो उसकी वजह से भी वजाइनल जो ये ओपनिंग के ऊपर हाइमन है ये टूट सकती है. सो व्हाट आर टेम्पोन्स? टेम्पोन्स आर द डिवाइसेस दैट आर इंसर्टेड इनटू द वजाइना विच सोक्स द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. सो इट्स लाइक जैसे सैनिटरी पैड्स हैं वैसे टेम्पोन्स आर द अदर थिंग्स. ऑलराइट, सो इस वजह से भी टूट सकती है. सो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी. हाइमन कैन बी ब्रोकन डाउन ड्यू टू एनी रीजंस. ऑलराइट, ओके. सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बट नाउ व्हाट अबाउट द ग्लैंड्स? देयर आर ग्लैंड्स, टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट. वन आर द स्कीन्स और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, अनदर आर बार्थोलिन और द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, राइट. बेटा एक ग्लैंड है जो यूरेथ्रा के अंदर प्रेजेंट है, दूसरी ग्लैंड है जो वेस्टिब्यूल में मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट है अराउंड द वजाइना. ऑलराइट, एक यूरेथ्रल वॉल में प्रेजेंट है ये स्कीन्स ग्लैंड, एक जो यहाँ बाहर की तरफ प्रेजेंट है, राइट, विच आर बार्थोलिन और ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड. द फंक्शन ऑफ बोथ द ग्लैंड इज टू सिक्रीट म्यूकस. दोनों का एक ही काम है, म्यूकस को सिक्रीट करना. ओके, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर, ग्रेटर होता है ऊपर वाला, तो अगर ये वेस्टिब्यूल है तो वेस्टिब्यूल के ऊपर प्रेजेंट है. ये यूरेथ्रा के नीचे प्रेजेंट है, मतलब यूरेथ्रा में अंदर प्रेजेंट है, तो मतलब वेस्टिब्यूल के तो नीचे हुआ, तो इसलिए इसको यहाँ पर लेसर वेस्टिब्यूलर भी बोल देते हैं, स्कीन्स ग्लैंड को. ऑलराइट, सो दीज आर द ग्लैंड्स प्रेजेंट. अदरवाइज यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, सिर्फ इतना याद रखो कि ये दो ग्लैंड्स होते हैं और वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, एंड दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया which is also known as vulva or pudendum. Now, a very important gland which is a mammary gland, which is a function or the feature of the mammals or the class mammalia. Mammary gland सबने पढ़े हैं बेटा. ये mammalia का एक बहुत ही अच्छा और कह लो यूनिक फीचर है. अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में जो फीमेल्स होती हैं दे कंटेन मैमरी ग्लैंड, मेल में इट्स रिड्यूस्ड. Just nipples are present, they are not properly grown up, they are not properly functional, right?
फीमेल में जो एक यंग फीमेल है जिसने प्यूबर्टी अभी अटेन नहीं करी उसमें प्रॉपरली ये अभी ग्रोथ नहीं किया होता. जैसे ही एस्ट्रोजन आता है तो मैमरी ग्लैंड्स का ग्रोथ शुरू होता है, उसके डक्ट्स होते हैं जो उसके अंदर डेवलप करते हैं. फिर फीमेल और ग्रो करती है फैट की वजह से या फिर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से भी इसका साइज इंक्रीज हो जाता है. सो इन अ फुली मैच्योर फीमेल दे आर प्रॉपरली ग्रोन अप एंड देयर ओनली फंक्शनल आफ्टर प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में इनके जो ग्लैंडुलर रीजन है उनको पूरा डेवलप किया जाता है एंड दे स्टार्ट वर्किंग एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग द मिल्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हॉर्मोन प्रोलैक्टिन. ऑलराइट, तो बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एज यू कैन सी द डायग्राम, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है. ठीक है, अब यहाँ पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेयर्ड होती हैं, वन पेयर है दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. तो फैट अलग अलग होता है, जिसमें ज़्यादा फैट दे विल बी लार्जर, जो कम फैट तो स्मॉलर. तो साइज फैट पे डिपेंड करता है. ओके, देन द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 मैमरी लोब्यूल कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वोलाई. अब बेटा ये यहाँ पर अगर ये एक मैमरी ग्लैंड आप देख रहे हो तो यहाँ पर लोब्यूल्स हैं. क्या है ये? लोब्यूल्स. तो एक मैमरी ग्लैंड में अराउंड 15 टू 20 मैमरी लोब्यूल्स और लोब्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है, लोब्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर एल्वियोलाय है. अब बोलोगे मैम एल्वियोलाय तो लंग्स में होता है. बेटा एल्वियोलाय आर जस्ट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लंग्स, वहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का. यहाँ पर एल्वियोलाय द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स विच प्रोड्यूसेस मिल्क. ओके, तो एल्वियोलाय है, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है. ओके, चलो, the cells of the alveoli they secrete milk which is stored in the cavities of alveoli. तो उसके अंदर जो alveoli के अंदर lumen है उसमें store हो जाता है. ठीक है, अब ये जो secretion हो रही है किसके presence में हो रही है? prolactin which is a hormone. और ये कब आता है? कब आता है ये? जब pregnancy होती है. कब आता है? जब ये pregnancy होती है तब ये functional होता है, तब milk produce होता है. otherwise इसलिए normal female में the milk is not produced. okay, the alveoli open into mammary tubules. now if this is alveoli it will open into small tubules, so you call it as mammary tubules. अब mammary tubules बहुत सारी निकलेंगी, मान लो यहाँ पे एक और alveoli है, ठीक है, वहाँ से भी निकली और ये जाकर जुड़ेंगी mammary duct में. अब ये कहाँ पर जुड़ा? mammary duct में. अब ये जो mammary ducts हैं ये फिर आगे जाके कहाँ पर जुड़ेंगे बेटा? These mammary ducts join to form a wider mammary ampulla. यहाँ पर लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं, मैमरी एम्पुला में जुड़ा और ये कहाँ पर खुलेगा? ये लैक्टिफेरस डक्ट से आगे बाहर निप्पल्स में खुलेगा. ठीक है, यहाँ पर तो ये निप्पल्स है. ओके, तो दीज वाइट वन आर व्हाट? दीज आर मैमरी ट्यूब्यूल्स. द मैमरी ट्यूब्यूल्स दे ओपन इनटू मैमरी डक्ट which open into ampulla also known as lactiferous sinus which stores milk temporarily. this is lactiferous duct, lactose milk से आया है, right? and this opens into nipple and nipple बाहर खुलता है और बाहर की तरफ nipple is surrounded by a highly pigmented area, the rounder area, you call it as areola. ऑलराइट, पीछे अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे रिब्स हैं और रिब्स के पास पेक्टोरल मसल्स होती हैं विच एक्चुअली सपोर्ट्स दी ब्रेस्ट, राइट, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे होगे पेक्टोरलिस मेजर मसल. ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैमरी ग्लैंड्स. इफ समवन आस्क यू मिल्क किसके इन्फ्लुएंस में बनता है, कौन से हार्मोन? प्रोलैक्टिन. बट मिल्क लेट डाउन कैसे होता है, बाहर कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ वन अनदर हार्मोन विच इज ऑक्सीटोसिन. तो बेटा प्रोलैक्टिन सिक्रीट कराता है, लेट डाउन का मतलब होता है बाहर निकलना, राइट, सिक्रीट का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना. ओके, रिलीज का मतलब होता है बाहर आना. तो कई बच्चे ना इन दो टर्म्स में इतने कंफ्यूज होते हैं, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में भी आता है. हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी, देयर इज रिलीज वर्ड, देयर इज सिक्रीटेड वर्ड, राइट? तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन मिल्क को बना रहा है, ऑक्सीटोसिन मिल्क को लेट डाउन करता है, लेट डाउन बाहर आना. एस्ट्रोजन क्या करता है?
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोथ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स. एस्ट्रोजन प्यूबर्टी के टाइम पे डक्ट्स को ग्रो करता है एंड प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम पे इसकी एल्वोलाई को ग्रो करवाता है. और यहाँ पर मिल्क का सिक्रीशन कौन करवाएगा? प्रोलैक्टिन करवाएगा. ऑलराइट, ओके, चलो बच्चे आगे चलते हैं. विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज ओवरी. सब सोच रहे हैं कि मैम ओवरी पे क्यों नहीं आ रहे हैं. मैम ओवरी हमेशा लास्ट में ही पढ़ाते हैं. रीजन ये है बेटा, यहाँ पर फ्रेश होगा, यहाँ पर फॉलिकल समझ पाओगे और आगे जाकर ऊ जेनेसिस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ऑलराइट, सो एज यू नो ओवरीज ओवरीज जो है वन पेयर है. ये भी क्या है बेटा? वन पेयर. जैसे टेस्टीज वन पेयर थे, ये भी वन पेयर. Testes were present outside the abdomen in the scrotum, but unlike that of testes, the ovaries are present in the abdomen. So, ye kahan par present hai? Present in abdomen. They are almond shaped, badam ki tarah hote hain, chote se hote hain, aur peritoneum mein present hai. And aise to gir sakte hain ye, kyunki ye fallopian tube se attached nahi hai, uterus se attached nahi hai. Par ye girte nahi hai because they are supported by ligaments. They're supported by ligaments. All right, so as you can see the structure, this is the structure of ovary, also given in the NCRT. बच्चे यहाँ पर अगर मैं पूरी ओवरी को डिवाइड करूँ दो एरियाज में, जो बाहर वाला एरिया है ये कॉर्टेक्स है, इनर वाला क्या है? मेड्यूला. जो कॉर्टेक्स रीजन है बाहर वाला, दिस वन, दिस इज कॉर्टेक्स, इनर वन इज मेड्यूला. इफ दिस इज नॉट क्लियर आई विल यूज अनदर वन. मेड्यूला में कोई भी फॉलिकल्स नहीं होते, कॉर्टेक्स में सारे फॉलिकल्स होते हैं. इट्स द मेन रीजन जहाँ पर सारा काम चल रहा है. एंड दिस इज द हाइलम, दिस एरिया इज हाइलम. एंड हाइलम से ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर होती हैं. ठीक है, अब ये फॉलिकल क्या चीज़ है, ये क्या बला है? कोई बला नहीं है, सिंपल सी बात है, बेसिक है. बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं. कंफ्यूज नहीं होना बेटा. एक है आपका फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट को समझिए, वो क्वीन है, वो रानी है. एंड दैट रानी, दैट क्वीन इज सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ नर्सेस, राइट? एंड बहुत सारे नर्सेस हैं, फॉलिकुलर सेल्स, और उन्होंने एक झुंड बनाया हुआ है उसके आसपास, और वो पूरे झुंड को हम एक फॉलिकल कहते हैं. सिंपल, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज द ऊसाइट, दिस इज द ऊसाइट. ऊसाइट इज समथिंग विच इज डेस्टिन्ड टू बिकम ओवम इन द फ्यूचर. ऊसाइट ही आगे डेवलप कर क्या बनेगा बेटा? ओवम बनेगा, एग बनेगा. ठीक है, अब इसके अराउंड बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बट ये साइज में छोटा है. तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. जब एक फीमेल का जन्म होता है ना, उसमें अराउंड 2 to 20 lakh प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल. इन प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट है? ये ऊसाइट प्रेजेंट है, विच इज द प्राइमरी ऊसाइट. सो आई एम यूजिंग दिस फॉर प्राइमरी. सेकेंडरी के लिए टू ऐसे यूज करूँ. ठीक है, अब जब हॉर्मोन्स आते हैं फीमेल्स में, जब फीमेल्स को प्यूबर्टी आती है तो उसमें हॉर्मोन्स आते हैं. ठीक है, अब जैसे हॉर्मोन आया FSH, इसके नाम पे ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन. तो एक फॉलिकल सेलेक्ट होता है और वो ग्रो होने लगता है. इसके अंदर अभी भी वही ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट, और ये फॉलिकल्स का नंबर बढ़ जाता है. ये खुद भी साइज में बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा हो जाता है, और इसके अराउंड एक बाहर लेयर बन जाती है जिसे थीका लेयर कहते हैं. ठीक है, तो ये बन गई इसके अराउंड एक थीका लेयर. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेकेंडरी फॉलिकल. इसे आप क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल. ओके, इसके अंदर अभी भी ये क्या है? प्राइमरी ऊसाइट है. ये जो ब्लू वाले हैं ये फॉलिकुलर सेल्स हैं. ठीक है, और यहाँ पर कौन सी लेयर आ गई? थीका लेयर, नई चीज. बट FSH इज ग्रोइंग, इट्स ग्रोइंग मोर बिकॉज वी वॉन्ट ओवम. हम अब उस चल पड़े हैं हम आगे उस राह पर जहाँ पर हमें इसको मैच्योर करके ओवम बनाना है, हम इसकी फर्टिलाइजेशन करवानी है. ओके, देन इसमें FSH और आया, अब ये बनेगा टर्शरी फॉलिकल. अब टर्शरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है?
यहाँ पर जो आपका प्राइमरी ऊसाइट है वो सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा। इसके अराउंड जैसे ये सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा तो इसके अराउंड जोना पेलुसिडा बन जाएगी विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर एंड यहाँ पर बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स आ जाएंगे। एक छोटी सी कैविटी बननी शुरू होगी यहाँ पर, छोटी सी कैविटी जिसे एंट्रम कहते हैं। साइज बड़ा, किससे बड़ा? सेकेंडरी फॉलिकल से। बट थीका लेयर, थीका डिफरेंशिएटेड, थीका लेयर डिफरेंशिएटेड इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। सो दिस इज इट, दिस इज विच फॉलिकल, दिस इज द टर्शरी फॉलिकल। ओके, तो यहां पर एक लाइन है एनसीईआरटी में, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सो टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट होगा थ्रू अ प्रोसेस नोन एज मियोसिस। तो मियोसिस जो होती है वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर होगी, ठीक है। पहले फॉलिकल बनेगा, फिर मियोसिस होगी, फिर सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी ऊसाइट जोना पेलुसिडा बनाएगा, राइट। सो दिस इज जोना पेलुसिडा विच इज अ ए सेलुलर लेयर, मतलब इसमें सेल्स नहीं होते, नॉन सेलुलर है, ग्लाइकोप्रोटीन की है। ओके, ये क्या है? सेकेंडरी ऊसाइट। दिस कैविटी इज एंट्रम। सो दिस वन इज योर टर्शरी फॉलिकल। विच फॉलिकल इज दिस? टर्शरी। ओके, अब टर्शरी बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। एज यू कैन सी हियर द ओनली डिफरेंस इज इन द साइज ऑफ द एंट्रम। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो एंट्रम है वो बढ़ गया है, बाकी बेसिक चीजें वही हैं। ओके, तो थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर टर्शरी और ग्राफियन में। ग्राफियन फॉलिकल में जो एंट्रम का साइज है वो बड़ा होता है। ऑलराइट, तो अब अगर मैं ग्राफियन फॉलिकल बनाऊँ तो बेटा ये कैसा बनेगा? साइज बड़ा, थीका एक्सटर्ना, दिस इज थीका एक्सटर्ना, एज यू कैन सी हियर दिस वन वॉज थीका इंटरना, वो सेम, ठीक है। चलो, बीच में वही ऊसाइट अभी भी है आपके पास, सेकेंडरी ऊसाइट विच इज कंटेनिंग द ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर विच इज द जोना पेलुसिडा एंड अ वेरी वेरी लार्ज एंट्रम, बिकॉज जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सारे साइड में चले गए हैं लाइक दिस। यहाँ पर भी एक लेयर है, दिस इज अ लेयर विच इज द न्यू लेयर फॉर्म हियर विच इज कोरोना रेडिएटा। और ये जो सेल्स हैं, ये कुछ सेल्स ऐसे यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं ताकि ये अटैच रहे बाहर की वॉल से। यू कॉल इट एज जर्म हिल, क्या बोलते हैं? जर्म हिल। तो ये जो सेल्स की लेयर बनी है ये कोरोना रेडिएटा, एंड दिस इज जर्म हिल, दिस इज ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम। इट ऑल्सो कंटेन्स वॉट? दिस सेकेंडरी ऊसाइट। ऑलराइट, ओजेनेसिस को डिटेल में करेंगे। अगर इतना समझ आ गया ना बच्चे आपको, ये फॉलिकल ओजेनेसिस ऐसे समझ आ जाएगा आपको। कई बच्चों को ओजेनेसिस इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि बेटा वो फॉलिकल में गुम रहते हैं, ठीक है। गुम रहते हैं मतलब मेरी थोड़ी पंजाबी निकल जाती है, थोड़ा भटक जाते हैं, खो जाते हैं, राइट। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस में वही फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स, वी हैव मेल गेमीट्स, वी हैव फीमेल गेमीट्स। द मेल गेमीट्स आर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, तो यहाँ पर मेल गेमीट बनेगा विच इज स्पर्म। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ऑलराइट, ओजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीट। राइट, एग, ओवा, ओवम, ओवा इज प्लूरल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से समझ जाते हैं बच्चे, आ भी जाएगा, और अगर नहीं आया
तो दोबारा से एक बार देखना, ठीक है? वैसे तो एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए आपको। बेटा यहाँ पर देखो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है प्यूबर्टी पे, जब एक लड़का जवान होता है तब उसके हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। दूसरी बात, ओजेनेसिस, ओजेनेसिस शुरू होता है जब एक फीमेल का जन्म भी नहीं हुआ होता, वो अपनी मदर के पेट में होती है। दिस इज अ वेरी फर्स्ट डिफरेंस। ऑलराइट, सो स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। क्यों? हॉर्मोन्स आए। कौन सा हॉर्मोन आया? जीएनआरएच। जीएनआरएच ने क्या किया? पिट्यूटरी को कहा FSH रिलीज करो, LH रिलीज करो। LH से वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, FSH गए सर्टोली सेल के पास और टेस्टोस्टेरोन ने आगे इन्फ्लुएंस भी किया और प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर है 46, आप सबको पता है हमारा क्रोमोसोम नंबर 46 है, ठीक है? इधर ये हाफ हो गया 23। अब ये हाफ हो रहा है तो मतलब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन हो रही है, विच इज मियोसिस। दो डिवीजन पढ़ते हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस में सेल का नंबर बढ़ता है, उसमें जो उसका प्लॉइडी होती है वही रहती है। मियोसिस में जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है? दूसरी इक्वेशनल होती है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर बच्चे मैंने आपको सेल्स से फेमिलियर करवाया था, स्पर्मेटोगोनिया थे, जो आगे माइटोसिस कर कर क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म फ्रॉम दैट क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो वहाँ पर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में थे, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है? अब इन्होंने क्या सोचा, लेट्स मेक स्पर्म। सो दे हैव टू मेक मिलियन स्पर्म्स, मिलियन स्पर्म्स बनाने हैं। तो आपको नंबर तो बढ़ाना है और नंबर बढ़ाने के लिए कौन से डिवीजन चाहिए? माइटोसिस चाहिए। तो यहाँ पर हुई माइटोसिस, माइटोसिस से जो मोटे ताजे सेल्स बने वो बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्स्ट मियोसिस करे वो बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइट? तो फर्स्ट मियोसिस से क्या हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अगर ये 2n था, ये 2n था, ये बन गया n, ओके? यस, ऑल राइट। अब यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस हुई, विच इज इक्वेशनल डिवीजन। अब दो से चार सेल बन गए, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, जिनको स्पर्मेटिड कहेंगे। अब स्पर्मेटिड कहाँ जाएंगे बेटा? स्पर्मेटिड जाएंगे सर्टोली सेल के ऊपर। स्पर्मेटिड गोल गोल सेल्स होते हैं, यू हैव टू मेक अ लॉन्गर वेरी कॉम्पैक्टेड सेल फ्रॉम दैट गोल गोल स्पर्मेटिड, और वो बड़ा कॉम्पैक्टेड सेल है आपका स्पर्म, राइट? तो जी जान लग जाती है एक स्पर्मेटिड की स्पर्म में कन्वर्ट होने में, जिसको हेल्प करता है सर्टोली सेल, ठीक है? तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है तो एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, और यहाँ पर हम इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। सो द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पर ये किसके हेड के ऊपर लगे हुए थे? सर्टोली सेल के, ऐसे, ठीक है? अगर ये सर्टोली सेल है तो स्पर्म ऐसे इसके ऊपर लगा हुआ। अब ये स्पर्म पूरा फॉर्म हो गया, जब ये फुली फॉर्म हो जाएगा तो ये सर्टोली सेल के हेड से निकल जाएगा, ल्यूमन की तरफ जाएगा, ताकि ये बाहर जा सके, और इस रिलीज ऑफ स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। अब बेटा गोले गोले से ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, राइट? ऐसा स्पर्म बन रहा है, तो इसमें मैंने बोला जी जान लग जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो स्पर्म है, जो स्पर्मेटिड है, जब वो स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो द स्पर्मेटिड लूजेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज साइटोप्लाज्म। सो स्पर्म में साइटोप्लाज्म नहीं होता या ना के बराबर होता है। न्यूक्लियस उसका पूरा खुल जाता है, फिर दोबारा से कॉम्पैक्ट होता है। गॉल्जी बॉडीज कलेक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ओके? तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑलराइट,
ये बात ध्यान रखना, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन. स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये पूरा प्रोसेस. स्पर्मियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, राइट. एंड स्पर्मिएशन इज अ रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल, जहाँ पर स्पर्म अब ल्यूमन में जाएगा और बाहर रिलीज हो जाएगा. ऑल राइट, ओके. और ये सब क्यों हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन जो प्यूबर्टी पे आए. तो लेट्स जस्ट सी, सबसे पहले GnRH आया. GnRH ने क्या निकाला पिट्यूटरी से? FSH एंड LH. FSH सर्टोली सेल के पास जाएगा, LH लेडिक सेल के पास. लेडिक सेल क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन. और ये दोनों क्या करवाएंगे मिलके? स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड टेस्टोस्टेरोन कैन ऑल्सो गिव नेगेटिव फीडबैक. ये रोक भी सकता है, ये क्या कर सकता है? ये रोक भी सकता है GnRH को, FSH को ये रोक भी सकता है. FSH को मेनली इनहिबिन रोकता है जो सर्टोली सेल बनाते हैं. तो दिस इज हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड. इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड. ऑल राइट, सो इट्स ऑल अकरिंग इन द फॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ द हॉर्मोन्स. सो बोथ द थिंग्स दे आर इंटरलिंक्ड. बिना हॉर्मोन के आपके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स नहीं चल सकते. ऑल राइट, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, नथिंग इज इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. ऑल राइट, ओके. मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. बच्चे स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. द बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. सबसे पहले हेड, हेड में क्या है? हेड में सबसे ऊपर जो आपको ये टोपी से दिख रही है, ये है एक्रोसोम. एक्रोसोम इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ गॉल्जी बॉडीज. इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ गॉल्जी बॉडीज एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंजाइम दैट इरोड the wall of egg. Egg में penetrate करना है, अंदर जाना है sperm को fertilization के time पे, तो enzyme help करेंगे. Then we have neck. Neck में होते हैं centrioles. Centriole दो होते हैं, एक proximal, एक distal. Proximal पास वाला, distal दूर वाला. तो जो एक ऊपर है विच इज द प्रॉक्सिमल, डिस्टल जो नीचे वाला है. नीचे वाला बनाता है एक्सियल फिलामेंट्स जो टेल में जाते हैं, टेल विप्लैश मूवमेंट शो करता है. ठीक है, सेंट्रियोल पढ़ते हो ना बॉटनी में, सेल में. प्रॉक्सिमल जो है उसके ऊपर एक न्यूक्लियस है. तो जब फर्टिलाइजेशन होगी, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और न्यूक्लियस ये दोनों एग के अंदर जाएंगे. राइट, क्यों चाहिए इसको ये सेंट्रियोल, ये मैं आपको आगे बताऊंगी. सब चीज़ें अभी नहीं बताऊंगी, वरना आप घबरा जाओगे. ठीक है, वैसे याद भी नहीं रखोगे, मुझे पता है. ठीक है, तो आगे बताऊंगी मैं. ओके, तो यहाँ पर नेक में दो सेंट्रियोल है, एक फिलामेंट बना रहा है. एक का रहस्य अभी मैंने आपको नहीं बताया है, ये अभी रहस्य में ही है चीज़. और ऊपर न्यूक्लियस है विच इज़ हाईली कॉम्पैक्ट एंड साइटोप्लाज्म यहाँ पर ना के बराबर है. ऑलराइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. नेक्स्ट ओजेनेसिस. ओजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट. एंड ये कब स्टार्ट होता है? बिफोर बर्थ. इट स्टार्टेड Before birth. Okay? तो कब शुरू हुआ? जब एक फीमेल अभी अपने मदर के पेट में ही थी, तब ये शुरू हुआ. ऑलराइट, तो यहाँ पर भी बेटा सेम स्टोरी है, हल्की सी ट्विस्ट के साथ है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं. सबसे पहले वही बात शुरू, ऊपर एक जर्म सेल होगा जैसे वहाँ पर था मेल, उससे कंपेयर करके बताऊँगी, ईजी हो जाएगा. वहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पर ऊगोनिया है. वहाँ पर माइटोसिस हुई तो बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने. यहाँ पर भी माइटोसिस होगी, प्राइमरी ऊसाइट बनेंगे. क्या बनेंगे? प्राइमरी ऊसाइट. ये भी डिप्लॉयड है 46. ये कब हो रहा है बट बेटा? वहाँ पर हुआ था जब वो प्यूबर्टी अटेन किया मेल ने. यहाँ पर हुआ जो वो भी फीटस है, अभी वो मम्मा के पेट में है. ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी ऊसाइट बने. एंड दीज प्राइमरी ऊसाइट दे स्टार्टेड द मियोसिस वन बिफोर बर्थ. मम्मी के पेट में ही प्राइमरी ओसाइट ने मियोसिस वन शुरू कर दी, पर ये हॉल्ट पे चला गया, रुकावट आ गई यहाँ पर, रुक गया. क्या? कहाँ पर? प्रोफेस. ठीक है, प्रोफेस वन में रुक गया प्राइमरी ओसाइट. छोटे छोटे फॉलिकल सेल्स के राउंड है,
वेरी इमेच्योर फॉलिकल्स लेकर एक फीमेल का जन्म होता है. तो मान लो अगर मेरा भी जब जन्म हुआ था उस टाइम पे इन माय ओवरी व्हाट वाज प्रेजेंट द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स वर प्रेजेंट द प्राइमरी फॉलिकल्स वर प्रेजेंट एंड इन दीज फॉलिकल्स यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट थे इसके अंदर विच हैड स्टार्टेड मियोसिस वन. अब वो फीमेल का पूरा चाइल्डहुड निकल गया वहीं हॉल्ट में प्रोफेज वन में. जब उसमें प्यूबर्टी आई, अब प्यूबर्टी आएगी तो हार्मोन्स आएंगे, हार्मोन्स आएगा तो FSH आएगा, ठीक है. अब FSH आया तो उसने फॉलिकल्स को कहा चलो चलो उठो उठो ग्रो करते हैं. अब एक फॉलिकल सेलेक्ट हुआ, मान लो एक फीमेल में जब प्यूबर्टी आई तो उसका जब मान लो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, ठीक है, तो उसमें फॉलिकल ग्रो होना शुरू हुआ, फॉलिकल ग्रो होना शुरू हुआ, फॉलिकल ग्रो हुआ तो फर्स्ट उसका जो प्रोफेज पे हॉल था वो हट गया. अब वो क्या बना, सेकेंडरी ओसाइट. सो द प्राइमरी ओसाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ओसाइट बट कंप्लीटिंग मियोसिस वन इन विच फॉलिकल, इन टर्शरी फॉलिकल. सो ये सेकेंडरी ओसाइट टर्शरी फॉलिकल में है, ग्राफियन फॉलिकल में है. ये प्राइमरी ओसाइट बच्चे किस में था, ये प्राइमोडियल या प्राइमरी फॉलिकल में था और जब प्यूबर्टी आई तो ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ. नाउ इट्स क्लियर आई गेस, राइट. अब यहाँ पर इसने मियोसिस टू शुरू कर दी, ग्राफियन फॉलिकल ने मियोसिस टू शुरू करी. यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ ओवम, राइट. ये ओव्यूलेशन के टाइम पे इसने शुरू किया बट फिर रुक गया, फिर हॉल्ट पे आया मेटाफेज पे, ठीक है. अब ये हॉल्ट कब जाएगा, ये हॉल्ट कब जाएगा, जब देर इज अ ट्रिगर. वॉट इज दैट ट्रिगर, द ट्रिगर इज अ स्पर्म. जब स्पर्म एंटर करेगा उसके साइटोप्लाज्म में तो मियोसिस टू का हॉल्ट हटेगा और ओवम बनेगा और यहाँ पर एक छोटी बॉडी बनेगी विच इज अ सेकेंड पोलर बॉडी. तो अगर ये सेकेंड है तो पहले क्या बनी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी. वही चल रहा है, मेल में क्या था, ऊगोनिया, सॉरी मेल में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया. यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फिर यहाँ पर चार ऐसे, ठीक है. यहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर भी दो बन रहे हैं बट एक चला जाएगा. ये पॉलर बॉडी है. पॉलर बॉडी क्या होती है, हमें क्या करना है, हमें इसका साइटोप्लाज्म बचा कर रखना है क्योंकि मेल के पास नहीं है, स्पर्म के पास नहीं है, ठीक है. तो हमें यहाँ पर बचा कर रखना है साइटोप्लाज्म. तो हमने क्या किया, पर हमें यहाँ पर न्यूक्लियस भी आधा दे देना है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 2N से N पर जाना है. तो हमने कहा अपना न्यूक्लियस आधा लो, अपना सामान लो और साइड पे हो जाओ, साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलेगा. और उसके पास जब कुछ है ही नहीं तो वह कैसे सर्वाइव करेगा. तो यहाँ पर जो पॉलर बॉडी बनती है, इट्स अ वेरी स्मॉल बॉडी कंटेनिंग ओनली द हाफ ऑफ द न्यूक्लियस जो भी एन है, और अलग से वो चला जाता है बाद में, इट लाइक डाइज ऑफ. सिमिलरली यहाँ पर भी सेकेंड पॉलर बॉडी बनेगी, वो भी बाद में विल डाई ऑफ. सो एक से यहाँ पर एक ही ओवम बना है. ऑन द अदर हैंड मेल्स में एक या वहाँ पर जो आपका स्पर्मेटोसाइट होता है वो आगे जाकर चार स्पर्म्स बनाता है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. दिस इज हाउ द नंबर ऑफ स्पर्म इज मोर देन द नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस. तो यहाँ पर जो ओव्यूलेशन होता है दैट इज द रिलीज ऑफ योर एग. जब आपका यहाँ पर LH ज़्यादा आता है बच्चे, LH जो हम भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, तो आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और उसमें से आपका ओसाइट बाहर आता है, ठीक है. तो जब ओव्यूलेशन से ओसाइट बाहर आ रहा है उस टाइम पे मियोसिस टू के हॉल्ट पे है. अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर यहाँ पर कॉपुलेशन हुई है, स्पर्म आया है, तो उसका मियोसिस टू का हॉल्ट हटेगा. अगर नहीं आया है तो हॉल्ट नहीं हटेगा. अंडरस्टूड. तो हॉल्ट नहीं हटेगा तो क्या होगा, यस, वो जो सेकेंडरी ओसाइट है ऐसे चला जाएगा. सो अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मतलब उसका मोस्टली जो फीमेल्स में प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही है तो सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म में ही वो निकल जाता है. ऑलराइट, ओके. सो दिस वाज अबाउट दी ओजेनेसिस. सेम वही चीज़ यहाँ पर भी, हार्मोनल कंट्रोल बच्चे. हार्मोनल कंट्रोल में क्या होगा, यहाँ पर GnRH हाइपोथैलेमस से आया, FSH आया, LH आया. FSH ने क्या किया, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ करी. LH क्या करेगा, जो ये ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ करी तो अब LH क्या करेगा, रप्चर करेगा फॉलिकल को. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है. क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं. ऑलराइट. अब जो ये फॉलिकल आपका ग्राफियन फॉलिकल जो यहाँ पर रप्चर हुआ है, जो यहाँ पर फॉलिकल रप्चर हुआ है, ये रप्चर होने के बाद दो चीज़ें बनाता है, एक कॉर्पस लूटियम जो बचा कुचा है, ऑलराइट,
और दूसरी चीज आपका ऊ साइड निकला है. ऊ साइड को अगर यहाँ पर स्पर्म मिलेगा तो ये ओवम बन जाएगा. कॉर्पस लूटियम, अब ये क्या है? कॉर्पस लूटियम बच्चे एक येलो कलर बॉडी बनती है. येलो कलर बॉडी, इट इज द एंडोक्राइन बॉडी. इट सिक्रीट्स द मेजर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, दो इट ऑल्सो सिक्रीट्स एस्ट्रोजन, बट मेजर प्रोजेस्ट्रॉन. दिस रिग्रेसेस टू फॉर्म अ व्हाइट कलर बॉडी नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस, विच देन स्लोज ऑफ, डाइज ऑफ, या फिर जो सेल्स होते हैं ओवरी के उसे खा जाते हैं, फेगोसाइटोस कर जाते हैं, राइट? सो दिस इज द डेस्टिनी ऑफ द फॉलिकल. ऑलराइट बच्चे, ओके. अब यहाँ पर जो ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ हुई है, आर दे सिक्रीटिंग समथिंग? यस, दे डू सिक्रीट एस्ट्रोजन. और जब एस्ट्रोजन आता है इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक सो दैट LHI, याद रखना ये बात, ये आगे काम आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में. GnRH हाइपोथैलेमस से आया पिट्यूटरी के पास, क्या पिट्यूटरी ने FSH और LH निकाला, FSH ने ग्रोथ कराया फॉलिकल का. फॉलिकल आर द मेजर सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है? एस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक सो दैट LHI, ऑलराइट? बट एस्ट्रोजन ऑल्सो गिव नेगेटिव फीडबैक फॉर FSH. ऑन द अदर हैंड द प्रोजेस्ट्रॉन, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू बोथ LH एज वेल एज FSH. अगर आपने ये बात समझ ली, आपके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत आसान है. अगर ये बात नहीं समझ में आई तो आप दोबारा से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट बच्चे, दीज आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स, वन ऑफ द अनदर, हर एक को एक चीज़ कंट्रोल कर रही है. ओके, सो ऑलराइट, आई एम टेकिंग इट वन मोर टाइम. GnRH ने FSH LH निकाला, जो FSH है वो फॉलिकल की ग्रोथ करेगा. एस्ट्रोजन आएगा, एस्ट्रोजन कहेगा चलो LH आ जाओ, LH आएगा तो फॉलिकल रप्चर होगा, फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम बनेगा, लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन लाएगा, ठीक है? क्या ला रही है? इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, एंड प्रोजेस्ट्रॉन गिव नेगेटिव फीडबैक टू बोथ FSH एज वेल एज LH. दिस इज हैविंग अ ग्रेट एप्लीकेशन इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो लेट्स बिगिन. अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो एक बार अपना हार्मोनल कंट्रोल को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करते हैं. ऑलराइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये वर्ड कहाँ से आया है? एनसीईआरटी से तो आया ही आया है. ये वर्ड आया है मेंसेस से. मेंसेस का मतलब होता है अ मंथ, क्योंकि ये पूरा साइकिल अराउंड 28 to 29 डेज का होता है. इट्स नॉट एप्लीकेबल एग्जैक्टली टू एवरीवन. किसी में 30, किसी में 31, किसी में 35 एंड कुछ फीमेल में 40-45 डेज का भी कई बार हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल कंडीशंस. ऑलराइट, तो बेटा यहाँ पर जो ये साइकिल है एक अप्रॉक्सीमेटली मंथ का है, तो वहाँ से वर्ड मेंसेस से मेंस्ट्रुअल साइकिल आया. जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, उसमें पहला जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेनार्क, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, राइट? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. और द बिगिनिंग ऑफ इट, जब एक औरत अराउंड 50 इयर्स की हो जाती है, उसके फॉलिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ पर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, हॉल्ट पे चला जाता है, रुक जाता है. सीजेशन भी कहते हैं, दैट इज मेनोपॉज, सीजेशन ऑफ द साइकिल. राइट, अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज. अगेन, पूरा 50 एक सेट नहीं है, अराउंड 45 to 50 में भी लोगों को हो जाता है, ठीक है? कई बार 50 से भी ज़्यादा अबव की एज में हो जाता है. सो हियर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स अ फीचर ऑफ व्हाट? इट्स अ फीचर ऑफ द प्राइमेट्स, द फीचर ऑफ प्राइमेट. में मेमेलिया में प्राइमेटा पढ़ते हो ना, उसमें क्या आते हैं? एप्स, मंकीज, हम. तो ये हमारा फीचर है. ऑलराइट, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर मैं डिवाइड करूँ बेटा, ये टोटल चार फेजेस में डिवाइड होता है. द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन, सेकंड इज फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज. हियर एट द 14th डे अनदर थिंग हैपन, दैट इज ओव्यूलेशन.
which is a rupture of graafian follicle, and luteal phase, the secretory phase. Okay, menstruation se shuruaat karte hain. Menstruation is the first phase of your menstrual cycle. तो जब एक फीमेल ब्लीड करती है, हम कहते हैं वो मेंस्ट्रुएशन फेज में है. तो अगर किसी फीमेल को आज ब्लीड शुरू हुआ है, मतलब उसके अगले साइकिल का पहला दिन है वो, ठीक है. तो अगर हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल को शुरू हुआ है, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, द न्यू साइकिल. तो फर्स्ट डे में उसको मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई, ये फेज 5 दिन तक चलता है. ये फेज क्यों चला 5 दिन तक? बिकॉज यहाँ पर उस फीमेल के हॉर्मोन्स बहुत ही ज़्यादा लो हैं. कौन से हॉर्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. पहले इस पूरे को मैं रीड करूँगी ताकि आपको एक एक चीज़ पता हो, फिर मैं समझाऊँगी, फिर मैं दोबारा समझाऊँगी ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाए, ठीक है. और फिर आप इसका क्या करोगे, खुद अपने आप को समझाओगे. अगर आपने अपने आप को समझा लिया तो मतलब आपको पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर, ओजेनेसिस, ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, सब समझ आ गया. एग्जैक्टली हो? यस, ओके. यहाँ पर बेटा यूटराइन इवेंट्स हैं. यूटरस में क्या हो रहा है? इधर ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं, इधर ओवेरियन इवेंट्स हैं, ऊपर पिट्यूटरी के हॉर्मोन हैं. तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 साइकिल चलते हैं. एक साइकिल चलता है ओवेरियन साइकिल, एक चलता है यूटराइन साइकिल. मतलब आपके हॉर्मोन्स 2 ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे हैं, एक ओवरी, एक यूटरस, ठीक है. तो स्टोरी यहाँ से शुरू हुई. आपके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत लो हैं क्योंकि आपके फॉलिकल्स भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कॉर्पस लूटियम भी नहीं है, ठीक है. बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन की बात कर रही हूँ. प्रोजेस्टेरोन का मेन सोर्स कॉर्पस लूटियम, एस्ट्रोजन का मेन सोर्स ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है. दोनों नहीं है तो हॉर्मोन क्या होगा, कम, ठीक है. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो आपके यूटेराइन की जो एंडोमेट्रियम है उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है. अगर वो नहीं है दोनों तो आपके जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है वो गिर जाएगी, ठीक है. तो बच्चे यहाँ पर लो एस्ट्रोजन, लो प्रोजेस्टेरोन. क्यों लो? बिकॉज नो फॉलिकल, नो कॉर्पस लूटियम. अगर ये दोनों लो है तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम स्लोज ऑफ. ओके, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोथ गिव नेगेटिव फीडबैक टू FSH. यू बेटर नो दैट. सो हियर इफ देयर इज नो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, नाउ पिट्यूटरी हैव अ चांस टू गिव इट्स FSH. सो द लेवल ऑफ FSH विल राइज. तो अगर FSH राइज होगा, FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल स्टिमुलेट द न्यू फॉलिकल्स टू डेवलप. तो मेंस्ट्रुएशन में नए फॉलिकल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पर फॉलिकल डेवलप होने शुरू हुए, एज यू कैन सी हियर, द प्राइमोर्डियल फॉलिकल, द सेकेंडरी फॉलिकल, द टर्शरी फॉलिकल, द ग्राफियन फॉलिकल. ओके, तो 11th डे पे आप 2 चीज़ें देखिए. यहाँ पर एक तो यूटराइन वॉल मोटी हो गई, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन अभी भी लो है क्योंकि वी डोंट हैव कॉर्पस लूटियम हियर, ठीक है. तो क्या हुआ, FSH आया, फॉलिकल ग्रो हुआ, एस्ट्रोजन आया. 11 डे पे एस्ट्रोजन आगे देखो ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, 14 डे के पहले उसने पीक बना दी, जस्ट बिफोर 14 डे. जैसे एस्ट्रोजन आया, आई टोल्ड यू एस्ट्रोजन गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH, LH सर्ज हुआ, LH के आने से ये फॉलिकल टूटा और इस टूटने को ओव्यूलेशन कहते हैं, जो 14th डे पे हुआ, ठीक है. सो ओव्यूलेशन क्यों हुआ, LH सर्ज की वजह से. एज यू कैन सी द पीक ऑफ LH इज हायर नियर 14th डे. अब ओव्यूलेशन जब होता है, एक तो ओसाइट तो रप्चर होके बाहर फिलोपियन ट्यूब में आ गया, ओवरी के अंदर अभी क्या बना, उसका बच्चा कुचा जो बच गया ग्राफिन फॉलिकल का, कॉर्पस लूटियम बना. कॉर्पस लूटियम जब पूरा डेवलप हुआ, LH रहा, LH ने कॉर्पस लूटियम बनाया, जब तक LH तब तक कॉर्पस लूटियम, जब तक कॉर्पस लूटियम तब तक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. और जब तक प्रोजेस्टेरोन तब तक यूटराइन वॉल मोटी हो जाएगी. तो एज यू कैन सी हियर 21st डे पे प्रोजेस्टेरोन का पीक है, कॉर्पस लूटियम मोटा था आ जाए, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन ने यूट्रस को भी थिक कर दिया, ठीक है. अब इस फेज को लूटियल फेज बोला गया क्योंकि लूटियम है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH है, ल्यूटिन. सिक्रेटरी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो यूटराइन वॉल है उसे ग्लैंडुलर
कर दिया जाता है. प्रोजेस्टेरोन आता है उसे ग्लैंडुलर कर देता है. एंडोमेट्रियम इटसेल्फ इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ओके, तो यहाँ पर जैसे ही एलएच गिरा, द फेट ऑफ एलएच इज उसको बाद में गिरना है. एलएच जाएगा तो कॉर्पस लूटियम जाएगा, कॉर्पस लूटियम जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन जाएगा, प्रोजेस्टेरोन जाएगा तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम गिरेगी, अगला साइकिल शुरू. सिंपल, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट टेक इट वन मोर टाइम. मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, लूटियल फेज, बीच में एक ओव्यूलेशन है. बेटा मेंस्ट्रुएशन में एस्ट्रोजन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है क्योंकि फॉलिकल्स नहीं है, तो एंडोमेट्रियम गिरेगी. इनकी वजह से एफएसएच को मौका मिला, उसने फॉलिकल ग्रो किया. फॉलिकल ग्रो होना शुरू हुआ तो फॉलिकुलर फेज में गए. फॉलिकल, फॉलिकुलर, इसको प्रोलीफरेटिव फेज भी कहते हैं क्योंकि दो एंडोमेट्रियम इट स्टार्ट्स प्रोलीफरेटिंग, थिक होना शुरू हुआ. जब ये यहाँ पर थिक होना शुरू हुआ इधर, क्योंकि एस्ट्रोजन है तभी हुआ, एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ तो एलएच आया, एलएच आया तो रप्चर हुआ, रप्चर हुआ तो कॉर्पस लूटियम आया, कॉर्पस लूटियम आया तो प्रोजेस्टेरोन हुआ, ये थिक हुआ. एलएच गिरा, कॉर्पस लूटियम गिरा, प्रोजेस्टेरोन गिरा, एंडोमेट्रियम गिरी, एंड द नेक्स्ट साइकिल इट बिगिंस. सो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड. Alright, so it's a play of hormones that is controlling your ovary, the follicles and the uterus. And this is what menstrual cycle is, and it is very much important for a female's fertility, right? अगर इस 14 डे पे यहाँ पर स्पर्म आ जाता है तो क्या होगा? अगर स्पर्म आ जाता है यहाँ पर तो आपका जो ओसाइट है वो ओवम में कन्वर्ट होगा एंड द प्रेगनेंसी विल टेक प्लेस लेटर ऑन. Alright, and corpus luteum मेंटेन रहेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल में चार फेज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड लूटियल फेज. अब यहाँ पर बच्चे ओव्यूलेशन मिड में होता है, अराउंड 14th डे. ओके, आगे चलते हैं. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज ए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे. यहाँ पर बेटा ये आपको चीज दिख रही है, अब मैंने कहा था वो रप्चर होगा तो उसका ओसाइट निकल जाएगा, तो ये चीज पूरी बाहर आती है. ओसाइट है, ठीक है, इन्होंने ओवम लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है. इधर जोना पेलोसिडा है, उसके बाद आपको ये सेल्स फॉलिकुलर दिख रहे हैं, कोरोना रेडिएट है. ओके, तो ये चीज़ बाहर आती है, इसके बाद जो बच जाता है वो कॉर्पस लूटियम बनता है. फाइन, अब बेटा यहाँ पर कैसे फर्टिलाइजेशन हुई? लेट्स जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स. इंसेमिनेशन हुआ. इंसेमिनेशन का मतलब क्या बताया था? कि डिपोजिशन ऑफ द सीमेन इन द फीमेल ट्रैक्ट, यूजुअली इन द हाई अप इन द वजाइना. अब यहाँ पर सीमन डिपॉजिट हो गया, तब स्पर्म्स कॉन्ट्रैक्शन से ऊपर जाएंगे यूट्रस में, यूट्रस से वो फिलोपियन ट्यूब में पहुँचेंगे. अब फिलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला में, ये दोनों आके मिलेंगे. जब ये दोनों आके मिलेंगे तो ऐसा क्या होगा, कैसे होगा? बेटा यहाँ पर जो स्पर्म बताया था मैंने, स्पर्म अराउंड 200 to 300 million एक इजैक्युलेशन में आते हैं. But not every sperm wins because it's a race of life, right? एक race आपने थ्री इडियट सबने देखी होगी. तो एक जो best sperm होता है, सबसे proper shape वाला और जिसमें vigorous motility होती है, वो भाग के क्या करते हैं, fertilize, सही? तो हमने एक सबसे बड़ा competition तो life में पहले ही जीत लिया है, right? दूसरा competition आप NEET में बैठने जा रहे हो, तो don't get afraid, it's a part of life, right? So anyways, यहाँ पर आपका जो स्पर्म है, अब उसको इस पूरे वॉल्स के अंदर जाना है, उसको यहाँ पहुँचना है, इतनी दीवारें हैं, वो कैसे जाएगा? यहाँ पर उसका जो एक्रोसोम है, जो उसका एक्रोसोम है, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करेगा जिससे वो एंटर करेगा. ऑलराइट, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला. ठीक है बेटा, हम अगर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी ओसाइट है, उसको ओवम बनाना है, और वो ओवम बनता है जब स्पर्म आता है, व्हेन द स्पर्म एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म. सो वी आर हैविंग सेकेंडरी ओसाइट हियर. सेकेंडरी ओसाइट इज एट द हॉल्ट ऑफ मेटाफेज.
सो इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. तो मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है, ठीक है, हमें उसे एनाफेज की तरफ लेके जाना है. बट वो कब होगा, जब उसके एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स सारे फैक्टर्स वो आएंगे. और वो कब आएंगे, जब आपका स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर वो एम्पुला पर दोनों पहुँच गए, इट्स अ साइमल्टेनियस थिंग. सो इट्स लाइक अ चांस प्रोसेस, नॉट एवरी कॉपुलेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन. अगर स्पर्म उसी टाइम पे ओवा के पास उसी जगह पर पहुँचा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं पहुँचा तो गॉड नोज, राइट. सो हियर इसको एंटर करना है. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन. एक्रोसोमल रिएक्शन में वो रिलीज करेगा बहुत सारे एंजाइम जिसको पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है. सबसे पहले ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ये आपस में सेल्स जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड. तो इस हाइल्यूरोनिक एसिड को एक एंजाइम है हाइल्यूरोनिडेज. मैं यहाँ सारे एंजाइम्स लिख रही हूँ, वो इरोड करेगा, ठीक है. फिर अगला एंजाइम आएगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, फिर वो कोरोना रेडिएटा के सेल्स को पेनिट्रेट करके आगे पहुंचेगा जोना पेलुसिडा के पास, और फिर जोना लाइसेंस से वो आगे जाएगा. यहां पर बेटा इनके प्रोटीन्स की आपस में रिएक्शन होती है, मतलब स्पर्म के ऊपर कुछ प्रोटीन है, एग की वॉल के ऊपर कुछ प्रोटीन है, वो आपस में अपना पासवर्ड एक्सचेंज करेंगे और फिर उसके बाद ये अंदर जा पाएगा. सो दिस इज हाउ यू कॉल इट एज द फर्टिलाइजेशन इज स्पीशीज स्पेसिफिक. अगर ये स्पर्म किसी और स्पीशीज का होगा तो उसके सर्फेस पे प्रोटीन कोई और होंगे और वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. ये नेचर का एक प्रोसेस है, टू कीप अनवांटेड स्पर्म्स अवे, ऑलराइट, और टू की जो एक स्पीशीज है वो सेम स्पीशीज का ही फर्टिलाइजेशन हो, एक नया कोई पुरानी ना बने. आप आर्टिफिशियली करवाओ वो बात अलग है, फाइन. सो फर्टिलाइजेशन इज स्पीशीज स्पेसिफिक बिकॉज देर आर सर्टेन प्रोटीन्स ऑन द सर्फेसेस जो उनको प्रॉपरली वहीं पे आपस में मिल सकते हैं और फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, ऑलराइट, ओके, चलो. सो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगी और जैसे ही स्पर्म साइटोप्लाज्म में जाएगा, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स खत्म, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स स्टार्ट, एंड हेंस द मियोसिस टू इज कंप्लीटेड. तो यहां पर मियोसिस टू कंप्लीट हुई और ये क्या बन गया, ओवम बन गया. अब ये ओवम किस में कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा तो वो क्या बन जाएगा, जायगोट, विच इज अ डिप्लॉइड सेल, ओके, यस. तो सेकेंडरी ओसाइट के साथ कौन आया, स्पर्म आया, उसके कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स और फिर वो ओवम बना और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी बनी, वो चली गई. ओवम के साथ अब स्पर्म मिला, उसका एन मिलके 2n एंड जायगोट इज फॉर्म, ओके. तो यहाँ पर जायगोट बन गया. अब जायगोट क्या करेगा, जायगोट को भी आगे क्या करना है, डिविजन्स करनी है क्योंकि आगे बहुत बड़ा प्राणी बनाना है हमें पूरा. तो एक जायगोट जो डिविजन्स यहाँ पर करेगा वो होती है माइटोटिक डिविजन, बट वी हैव अ पर्टिकुलर नेम बिकॉज इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस विच यू कॉल द मैस क्लीवेज. तो यहाँ पर बेटा जो जायगोट डिविजन्स करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लीवेज. सो व्हाट आर क्लीवेज, दीज आर माइटोटिक डिविजन्स. इन जायगोट दे आर रैपिड, वेरी फास्ट, एंड दीज आर लाइक माइटोसिस बट लिटिल डिफरेंट. हाउ बेटा, जब माइटोसिस होती है तो जो पहले वाला सेल होता है मदर सेल, उससे आगे जो दो डॉटर सेल बनते हैं वो दोनों साइज सेम होता है, मदर जितना ही होता है. बट यहाँ पर जो सेल्स बनेंगे उनको हम एक तो ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, डॉटर सेल नहीं बोलेंगे, और उनका साइज मदर सेल से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है जल्दी डिविजन करना और न्यूक्लियस को ज़्यादा बढ़ाना.
ठीक है, यहाँ पर हमें जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा बढ़ाना है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कम होने की वजह से उनका साइज छोटा रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, ये पहले क्या था, ओसाइट था, ओवम बना, स्पर्म आए, जायगोट बन गया। जायगोट से फर्स्ट क्लीवेज हुई, दो सेल बने, उसके बाद चार सेल बने, फिर 8 to 16 सेल स्टेज आई विच इज मोरूला। कौन सी स्टेज है? 8 to 16 सेल स्टेज विच इज मोरूला, और इन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑल दीज सेल्स आर ब्लास्टोमियर्स। मोरूला का साइज जायगोट जितना ही होता है, ये अभी फिलोपियन ट्यूब में ही घूम रहा है, जोना पेलिसिडस के ऊपर होती ही है, और फिर ये थोड़ा आगे आता है, आगे आके 32 सेल स्टेज बनाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये छोटा सा आप देख रहे हो सेल्स एक ही साइड पे कलेक्टेड हैं, इन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास। और जो बाहर वाली लेयर है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। 8 से 16 सेल स्टेज मोरूला, आगे 32 सेल बना यहां पर ये वाला, फिर इनके अंदर एक कैविटी बनती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसीट, और जब वो कैविटी बन जाती है फिर आप उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यही कैविटी है इधर, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसीट। अब ये जो अराउंड 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो है, इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, एंड वॉट इज दैट? इम्प्लांटेशन। एंड वॉट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन होता है बेटा, इसको यूट्रस के साथ एम्बेड होना है ऐसे। अब मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, इसका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा इस तरह, और ये यूटराइन वॉल को भी इरोड करेगा और इसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देगा, और दोनों फिट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे बेटा इधर देखो, ये यूट्रस है, ठीक है, इस यूट्रस में अभी कुछ भी नहीं है, जगह ही नहीं है, ये ब्लास्टोसिस्ट था, इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई, साथ में इंजाइम सेक्रेट किए, इन इंजाइम ने यहाँ पर जगह बना ली अपने आप को फिट करने के लिए ऐसे, और इस तरह से ये फिट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो अराउंड 5th डे पे होता है, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? 5th डे पे इम्प्लांटेशन। वॉट इज इम्प्लांटेशन? एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन यूटराइन वॉल। इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो अगर कोई पूछे, जो मोस्ट ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है, कौन सी स्टेज इम्प्लांटेशन करती है, आपको ज्यादा नहीं सोचना, उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और इसके जो बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वही लेयर है जो क्या करती है? यस, जो यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाए। जो यूटराइन वॉल के साथ अटैच होती है, और जब ये बेटा डेवलप हो जाएगी, दोनों डेवलप होके ये एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? एक एंडोक्राइन ऑर्गन है जो बच्चे को मदर से जोड़ता है। अब यहाँ बच्चा कहाँ आया बेटा? इसके अंदर जो इनर सेल मास हमने बनाया था, ये बताया था, इट डिफरेंशिएट एंड इट फॉर्म्स द इंटायर एम्ब्रियो। कैसे जाता है? डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, आई थिंक आप सबको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा। जो आपके इनर सेल मास होते हैं वो एक स्टेम सेल की तरह होते हैं। स्टेम सेल्स आर दी टोटिपोटेंट सेल, या फिर ऐसे सेल जो मेच्योर नहीं है। इन सेल में एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, जिसमें कुछ न्यूक्लियस में जो आपका क्रोमेटिन है बंद हो जाता है, कुछ चालू हो जाता है, राइट? तो वो उस हिसाब से सेल अपना फंक्शन अटेन करता है, राइट? अब ये डिफरेंशिएशन होने के बाद ये कुछ सेल्स लिवर सेल्स बन जाएंगे, कुछ आपके हार्ट के बन जाएंगे, दैट्स अ लेटर प्रोसेस। ऑलराइट, ओके, सो द इनर सेल मास गिव राइज टू द एंटायर एम्ब्रियो, द ट्रोफोब्लास्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाए, जो बाद में दोनों मिलकर प्लेसेंटा फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर द डेवलपमेंट। ऑलराइट, यहाँ पर आप इस स्टेज पे प्लेसेंटा नहीं बोलोगे, यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, बट लेटर ऑन आफ्टर डेवलपमेंट इट फॉर्म्स प्लेसेंटा। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरी वन।
ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब बेटा, अब उसने क्या किया, डेवलप किया, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा बनाया, ठीक है, ये प्लेसेंटल विलाय है। क्या है ये? प्लेसेंटल विलाय। सो व्हाट बेसिकली प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेसेंटा दोनों बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं, मम्मी भी बनाते हैं। ये क्या गया? तो प्लेसेंटा इज नॉट जस्ट फॉर्म बाय द मदर यूटराइन वॉल, बट इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द फीटस। सो व्हाट पार्ट ऑफ मदर इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा? द यूटराइन वॉल। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द फीटस? कोरियोनिक विलाय। ओके, सो जो प्लेसेंटा है उसका क्या काम है? पहली बात, ये बच्चे को मदर से जोड़ के रखता है। बच्चे को मदर से क्यों जोड़ना है? बिकॉज बच्चा अभी छोटा है, उसको ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए उस बच्चे को क्या चाहिए? खाना चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। सो ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट। इट ऑल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हाउ? बच्चे का CO2 उठा लेगा, ऑक्सीजन देगा, राइट? बच्चे के जो भी वेस्ट बन रहा है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो सारा प्लेसेंटा से मदर से जाएगा, मदर से एक्सक्रीट होगा, ऑलराइट? इसके अलावा प्लेसेंटा इज अ वेरी गुड एंडोक्राइन बॉडी और ऑर्गन। क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले जो हार्मोन आपका प्लेसेंटा बनाता है वो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। बेटा गोनाडोट्रोपिन का मतलब क्या है? गोनाड्स मतलब टेस्टिस ओवरीज, ट्रोपिन मतलब ग्रोथ। ऐसे हार्मोन जो टेस्टिस ओवरीज की ग्रोथ कराएं। कौन से हार्मोन लगते हैं टेस्टिस ओवरीज पे? कौन से? FSH LH लगते हैं, उनको भी गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। तो ये LH की तरह होता है, इट मिमिक्स LH, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH नीचे जाता है, अब वो तो जाएगा, उसका फेट है। पर कॉर्पस लूटियम को रेस्क्यू करना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन चाहिए, प्रोजेस्टेरोन होगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो प्लेसेंटा रहेगा। तो HCG का यही काम है कि वो LH की तरह काम करेगा और प्रोजेस्टेरोन को बना के रखेगा और प्लेसेंटा जुड़ी रहेगी। ओके, इसके अलावा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क बिफोर द डिलीवरी। हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन। लास्ट में आता है रिलैक्सिन। क्यों आता है? क्योंकि उसको सर्विक्स को रिलैक्स रखना है ताकि बच्चा आराम से नीचे आ जाए, ठीक है? प्यूबिक सिम्फाइसिस को और सर्विक्स को रिलैक्स रखेगा तो द बेबी कुड कम आउट वेरी इजिली। ऑलराइट, इसके अलावा बेटा मदर का अगर ब्लड टेस्ट करवाओगे तो उसमें थायरॉक्सिन लेवल, कॉर्टिसोल लेवल ये हमेशा हायर रहेंगे। ये हायर इसलिए रहते हैं बिकॉज थायरॉक्सिन, एज यू नो, अगर मैं ब्लड की बात कर रही हूँ, ब्लड में मदर के कॉर्टिसोल हायर दिखेगा, थोरैक्सिन हायर दिखेगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज थायरॉइड ग्लैंड वाला, बिकॉज बेटा थायरॉक्सिन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा तो बच्चे की ग्रोथ भी होगी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी फीमेल के थायरॉक्सिन कम है और बच्चा, शी इज प्रेगनेंट, राइट, तो जो बच्चा है उसमें जो IQ वगैरह वो कम हो सकता है, जो बच्चा पैदा होगा, फाइन, तो द बच्चा में सफर अ लॉट ऑफ डिजीजेज, उसके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली ना भी बने, फाइन। सो दीज आर सम ऑफ द हार्मोन्स विच आर सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा एंड हेंस प्लेसेंटा इज अ वेरी गुड एंडोक्राइन ऑर्गन। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू अ लॉट ऑफ डिजीजेज, अ लॉट ऑफ वायरसेस, अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, प्रोटोजोन्स, बट स्टिल बहुत सारे वायरसेस प्लेसेंटा को क्रॉस भी कर जाते हैं, जैसे HIV, राइट, जो एड्स कॉज करता है, तो HIV कैन पास थ्रू इट, बट स्टिल प्लेसेंटा ट्राइज वेरी बेस्ट ताकि बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज उसको क्रॉस ना कर पाए।
ऑलराइट। तो प्लेसेंटा का ये फंक्शन है, एक बैरियर का काम, नरिशमेंट देता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है बिकॉज ऑक्सीजन ब्लड से यहाँ जाती है और CO2 लेकर जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दी एंडोक्राइन ऑर्गन। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट। नाउ सिंस अ ब्लास्टोसिस्ट वाज फॉर्मड, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, ठीक है बेटा, ब्लास्टोसिस से एक नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज बनती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रुला। बाय द सेम प्रोसेस ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन एंड यू कॉल इट एज गैस्ट्रुलेशन। सो गैस्ट्रुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, एंड गैस्ट्रुला बेटा एक स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स 3 जर्म लेयर्स, और ये 3 जर्म लेयर्स आपने बहुत अच्छे से सुनी होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंड ऑल दी 3 लेयर्स दे फॉर्म दी ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम भी बनता है, आपकी स्किन भी बनती है, ठीक है, एंडोडर्म से आपकी गट बनती है, मेसोडर्म से आपका ब्लड बनता है, आपका हार्ट बनता है, आपकी किडनी बनती है, फाइन, और टेस्टिस भी बनती है मेसोडर्म से, सॉरी। तो ये तीनों जर्म लेयर्स से ही पूरा एम्ब्रियो बनता है, और ये तीनों जर्म लेयर किससे बनी है, इनर सेल मास से। अब ये तो रहा एम्ब्रियो के अंदर की बात, क्या एम्ब्रियो के बाहर भी कुछ है? आपने बहुत बार सुना होगा वाटर बैग, एक वाटर बैग के बारे में सुना होगा, जब भी पार्चुरेशन होने वाली होती है तो एक फीमेल में वाटर बैग बर्स्ट करता है ना, व्हाट इज दैट वाटर बैग? एम्ब्रियो के अंदर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय सर्टन कवरिंग्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो एंड यू कॉल देम एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं आप उन्हें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो 4 होती हैं, ठीक है बेटा, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, इसको उतना करेंगे जितना एग्जाम में आता है, आ जाता है इसका क्वेश्चन, दो NCERT में इतना कुछ इसके बारे में नहीं दिया है, कुछ स्ट्रक्चर्स में इन्होंने लेबल किया हुआ है, बट स्टिल इसका क्वेश्चन आया है, सो वी जस्ट कांट लीव इट लाइक दैट। तो हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं आपकी, एक एम्नियन जिसको वाटर बैग वाला जो ये इससे लिंक है अभी बताऊंगी, ठीक है, एक एलेंटॉइस, एक योक सैक, एक कोरियोन, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा मेंटेन्ड रहती हैं वो कोरियोन और एम्नियन है, योक सैक एलेंटॉइस रिड्यूस्ड हो जाती हैं। एलेंटॉइस स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम करती है, लेटर ऑन वो भी अम्बिलिकल कोड बनाने में हेल्प कर जाती है, और योक सैक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। योक सैक की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, जो बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं वो भी जान लें, यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड, यंग मीन्स योक सैक, लिवर इज लिवर, सिंथेसाइज मीन्स स्प्लीन, ब्लड मीन्स बोन मैरो। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, सबसे पहले योक सैक में, फिर लिवर में, फिर स्प्लीन में, फिर जब आप का जन्म होने वाला होता है, फिर आपका जो सिंथेसाइज की साइट है एरिथ्रोपोइसिस की वो बोन मैरो हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले योक सैक में एरिथ्रोपोइसिस शुरू होता है, योक सैक में जर्मिनल एपिथेलियम भी बनती है, बताया था ना अभी, लेटर ऑन योक सैक रिग्रेसेस, ठीक है। कोरियोन इज फॉर्मिंग द कोरियोनिक विलाय विच हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, ये वही है। एम्नियन फॉर्म्स ए एम्नियोटिक सैक विच यू कॉल वाटर बैग, एंड इट कंटेन्स एम्नियोटिक फ्लूइड, एंड इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द फ्लूइड, द एम्नियोटिक फ्लूइड जिसमें एक बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है। इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द एम्नियन विद द फ्लूइड इन इट। ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एज वेल, जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, और ये बच्चे को ड्राइनेस डेसिकेशन से बचाएगा, फाइन। तो इससे हम वाटर बैग कहते हैं, तो जब भी बच्चे डिलीवरी होने वाली होती है फट जाता है यहाँ से और सारा पानी इसका बाहर आ जाता है, सो दिस इज द फर्स्ट साइन कि अब बच्चा बाहर आने वाला होता है, ओके। देन एम्नियोटिक सैक कौन आ रहा है, एम्नियन, एम्नियन इज अ मेम्ब्रेन, एम्नियोटिक सैक इज द इंटायर सैक, ऑलराइट। देन वी हैव एलेंटॉइस, एलेंटॉइस फॉर्म्स प्रिमिटिव यूरिनरी ब्लैडर एंड द ब्लड वेसल्स फॉर एम्बिलिकल कॉर्ड,
Now, what is this umbilical cord? बेटा आपने देखा होगा बच्चा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है जो बच्चे के नेवल पे जाके खत्म होता है, मदर के प्लेसेंटा से अटैच होता है, ठीक है। जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होगा जिसे अम्बिलिकल कोड कहते हैं, उसमें वेन्स और आर्टरीज होती हैं। ऑलराइट, पहले वो डायरेक्टली प्लेसेंटा से ले रहा है, पर जो वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो उसमें ये अम्बिलिकल कोड बनती है, विच इज ब्लड वेसल्स आर फॉर्म बाय द एलेंटॉइड्स। ऑलराइट, ओके, देन अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है ये किसके बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं। अगर बेटा आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको अच्छे से बता दूँ, मैं कलर करके बताऊँगी, ये जो लेयर है ये वाली, ये है एक्टोडर्म, ये है क्या एक्टोडर्म, ठीक है। अब जो मैं रेड बनाऊँगी, जहाँ भी रेड बन रही है वो मीजोडर्म है, ये सारी मीजोडर्म, ठीक है, ये भी मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म। ऑलराइट, अब नेक्स्ट लेयर व्हिच आई एम गोइंग टू फॉर्म इज योर एंडोडर्म, इज व्हाट, इट्स एंडोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म। ऑलराइट, अब बेटा आप ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एक सबसे सिंपल बात कर रही हूँ, कोरियोनिक विलाई, ये पूरी बाहर वाली कोरियोन, ठीक है। अगर कोई पूछे कोरियोन किसकी बनी है, तो आप क्या बोलोगे, बाहर से एक्टोडर्म, अंदर से मीजोडर्म, क्लियर। एमनियोन पे आते हैं, ये बाहर के एमनियोन के, बाहर के मीजोडर्म, अंदर के एक्टोडर्म, ठीक है। अब योक सैक और एलेंटॉइड्स का सिंपल फंडा है, बाहर है इसके मीजोडर्म, अंदर है इसके एंडोडर्म, इन दोनों का सेम है, तो इसका तो ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। कोरियोन में बाहर क्या है एक्टोडर्म, अंदर क्या है मीजोडर्म। एमनियोन का ऑपोजिट कर दो, बाहर क्या है एमनियोन में, मीजोडर्म, अंदर क्या है एक्टोडर्म। अब ये आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे याद रहेगा, बेटा आपको याद तो ये ज़्यादा करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू लाइक, करना तो याद ही पड़ेगा। अगर आपको ये समझाने बैठ जाएँ तो यू हैव टू यू नो लाइक, मुझे पूरी एम्ब्रियोलॉजी समझानी पड़ेगी, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि यहाँ पर योक सैक और एलेंडोस का तो सेम है, ये तो एक ही याद करना है, इनका ऑपोजिट है, बात खत्म, ठीक है। एंडोडर्म इनमें ही है, उनमें एक्टोडर्म है, ऑलराइट, ओके। सो इट्स आई थिंक प्रीटी क्लियर टू एवरीवन, इफ नॉट जस्ट एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं, जो एमनियोन है आउटर मीजोडर्म, इनर एक्टोडर्म, इसका ऑपोजिट, इन दोनों का सेम, ऑलराइट, ओके। चलो आगे बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में और क्या होता है। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या प्रेगनेंसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, जेस्टेशन। जेस्टेशन बेटा इज बेसिकली द टाइम फर्टिलाइजेशन से बच्चे के पैदा होने तक, और ये जेस्टेशन का एक टाइम पीरियड है हमें कितना, 9 मंथ। 9 मंथ, 9 मंथ में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब जो एक ट्राइमेस्टर है दैट इज इक्वल टू 3 मंथ्स, तो 1 ट्राइमेस्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो हाउ मेनी ट्राइमेस्टर आर देयर इन द एंटायर प्रेगनेंसी, 3 ट्राइमेस्टर। अगर हम एक मंथ की बात करें, पहले मंथ में बच्चे में क्या बना, हार्ट बन चुका होता है, और आफ्टर 1 मंथ यू कैन इवन हियर द साउंड ऑफ द हार्ट बीट बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप। ऑलराइट, देन द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ के एंड में फीटस में लिम्स और डिजिट्स, उसके छोटे छोटे हाथ पैर बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के खत्म होने पे उसमें मेजर ऑर्गन सब बन चुके हैं, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन चुका है। मतलब एक जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, 3 मंथ तो कहते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, उसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसी में उसके सारे ऑर्गन्स बनते हैं। आफ्टर 1 ट्राइमेस्टर, आफ्टर 3 मंथ्स, सिर्फ उनका कह लो कि ज़्यादा ग्रोथ होती है, साइज बढ़ता है, बट जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होती है। ड्यूरिंग 5th मंथ पहली फर्स्ट मूवमेंट दिखेगी, जिसको किक भी कहते हैं, एंड उसके सिर पे बाल आ जाएंगे। ऑलराइट, देन
बाय द एंड ऑफ 24 वीक, 24 हफ्ते के बाद बॉडी में बाल आ जाएंगे पूरी बॉडी पे, पहले सिर पे थे अब पूरी बॉडी पे आ गए, आईलिड्स खुल जाएंगी उसकी, आंख खुल जाएगी, आईलैशेस भी बन जाएंगे। 9 मंथ के बाद वो पूरा फॉर्म हो जाएगा और वो बाहर आने के लिए तैयार हैं। और बाहर आने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पार्चुरेशन। सो व्हाट इज पार्चुरेशन, इज द डिलीवरी ऑफ द फुली ग्रोन फीटस। ऑलराइट बेटा, पार्चुरेशन में बच्चे को बाहर आना है। अब वो बाहर कब आएगा, कैसे आएगा, कोई तो सिग्नल होगा ना, ठीक है, कोई तो सिग्नल होगा जिससे वो बाहर आएगा। तो वो सिग्नल कौन देता है, जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जिससे द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स कहां से आता है, दोनों से, मम्मी से भी और बच्चे से भी। सो इट कम्स बोथ फ्रॉम फुली ग्रोन फीटस एज वेल एज मदर। इस रिफ्लेक्स से क्या होता है, जो मदर है, मदर की जो पिट्यूटरी है, इट विल रिलीज ऑक्सीटोसिन। यू बेटर नो ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन, यस। ये हार्मोन फिर क्या करता है बच्चे, ये हार्मोन, दिस ऑक्सीटोसिन, इट विल लीड टू द विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस। और विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट, फिर वो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा कि और ऑक्सीटोसिन निकालो, मोर ऑक्सीटोसिन, मोर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन इज। एंड यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन, किसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कंफ्यूज मत होना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने से फीटस विल कम आउट एंड द हेड ऑलवेज कम्स आउट फर्स्ट, राइट। और जब ये बच्चा बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो प्लेसेंटा है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। सो फीटस कम्स आउट एंड द प्लेसेंटा इज रिमूव्ड। ओके, तो एज यू नो यहाँ पर हॉर्मोन्स प्लेज अ वाइटल रोल। ऑल्सो यहाँ पर रिफ्लेक्स जा रहे हैं, यू नो रिफ्लेक्सेस गो विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। सो दिस इंटायर रिफ्लेक्स इज अ न्यूरो एंडोक्राइन फिनोमिनन। तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों यहाँ पर मिलके काम कर रहे हैं, जिससे बच्चा बाहर आ रहा है, एंड यू कॉल दैट प्रोसेस एज पार्चुरेशन। ऑलराइट, अब बच्चा बाहर आया, बच्चे को खाना है, भूख लगी होगी। तो बच्चा जब पैदा होता क्या खाता है, पिज्ज़ा बर्गर तो खाता नहीं है, वो तो आपने बाद में आते डाली है, राइट। तो वो मदर्स मिल्क चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन, की मदर का मिल्क बने और वो लेट डाउन हो। ऑलराइट, तो मदर अपना मिल्क बनाती है और जो फर्स्ट मिल्क आता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। तो यहाँ पर बेटा मैमरी ग्लैंड्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस मिल्क, राइट। अभी जो मिल्क की प्रोडक्शन है ये कौन करवाता है, ये करवाता है प्रोलैक्टिन, अभी आपको मैंने बताया। और लेट डाउन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन। अब जैसे बच्चा मदर के निपल्स को सक करेगा तो वहां पर एक फीडबैक जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक मदर के पिट्यूटरी को, उससे ऑक्सीटोसिन आएगा। एंड ऑक्सीटोसिन विल गो इनटू द मसल्स ऑफ द मदर्स मैमरी ग्लैंड, जिससे स्क्वीजिंग होगी एंड द मिल्क विल कम आउट थ्रू द निपल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन कराता रहेगा, ऑक्सीटोसिन लेट डाउन। और जो फर्स्ट मिल्क आता है मदर का, इट्स वेरी मच असेंशियल फॉर द इन्फेंट एंड इट्स येलो इन कलर एंड यू कॉल इट एज कोलेस्ट्रम। Why it is so much important? Because it contains antibodies which will provide passive immunity. Which antibody? IgA.
IgA एंटीबॉडी इसमें होती है और ये एंटीबॉडी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको पैसिव इम्यूनिटी देगी, क्योंकि बच्चा अभी किसी भी यू नो माइक्रोब्स से इनकाउंटर नहीं किया है ज़्यादा, क्योंकि वो अभी आया, अभी तो बाहर आया यार वो, तो इसीलिए उसको इम्यूनिटी चाहिए. तो मदर इज़ हेल्पिंग द चाइल्ड, इसलिए कहते हैं बच्चे को पहला मिल्क मदर का ज़रूर पिलाना चाहिए क्योंकि इट्स रिच इन एंटीबॉडी. उसके बाद धीरे 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 एंटीबॉडी कम होती जाती है. द मिल्क पर्पस इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी लेटर ऑन. ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ बच्चा आ गया वर्ल्ड में, उसने दूध भी पी लिया, एंड दिस इज़ हाउ वी वर प्रोड्यूस, इसी तरह ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस करते हैं. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर. सो थैंक यू बच्चों, और हम मिलेंगे विद अदर चैप्टर. टिल देन इसको अच्छे से रीड करना. आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दी एनसीईआरटी वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज बच्चे इस चैप्टर को देखते हैं यार बड़ा लंबा चैप्टर है, क्या क्या है इसमें. बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू इवन रीड एनसीईआरटी केयरफुली, यू आर गोइंग टू क्रैक द क्वेश्चन. बट इफ़ यू डू नॉट डू दिस, यू नो वॉट विल हैपन. चार मार्क्स मिलते हैं, पाँच मार्क्स जाते हैं, ये बात याद रखना मेरी. अब देख लो क्या करना आपको. ऑलराइट, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो. बाय बाय, थैंक यू.